अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कल के सेशन के बाद कल जो थोड़ा बहुत हमारे साथ प्रॉब्लम भी हुआ और हम हमारा काफी टाइम जाया हो गया उसके अंदर और पूरा लेक्चर नहीं कर सके कल वाला। एनीवेज कोई ऐसा मसला नहीं है, वील ट्राई टू ब्रिज इट अप। पहली बात तो यह है कि हमने वहीं से शुरू करना है जहां हमने सिलसिला तोड़ा था। तो हमने जो बात जहां करनी छोड़ी थी वो था वाई यूज स्क्रम। मॉड्यूल 4 हम शुरू करने लगे थे, बात बीच में ये आ गई थी कि स्क्रम जो है ये इसके क्या टूल्स क्या हैं और कौन कौन सी टाइप्स की सर्टिफिकेशन है, तो मैं वो बताना चाह रहा था और उसमें वो गड़बड़ हो गई सारी और हम बीच में से ब्रेक ऑफ हो गए। मैं ऐसा करता हूं कि आपको मैं पहले ब्रीफली वो चंद बातें बता देता हूँ। ऑल्दो वो बात तो बहुत लंबी है, मेरे पास पूरी पूरी प्रेजेंटेशन उसके ऊपर बनी हुई है, लेकिन मैं उसको स्किप करूंगा, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस डगर पे जा रहे हैं। ये मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था कुछ अरसा पहले, वो मैं आपको स्क्रीन पे आपको शो करता हूं। ये जी अभी आपको नजर आ गया, आ रहा होगा, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सेमिनार था। उसके अंदर मैंने क्विकली इन चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की थी। पहली चीज तो हमने ये समझनी है कि जो जिक्र नहीं हुआ इसमें, इसने इसमें एज सच स्क्रम में उसको जिक्र करना चाहिए था शुरू में कि एजाइल मैनिफेस्टो क्या होता है। ये सारी कहानी जो है ये एजाइल मैनिफेस्टो के गिर्द बनी हुई है। चूंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एजाइल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, तो उस वक्त ये मैनिफेस्टो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है। इनके जो मैनिफेस्टो है उसमें चार बेसिक वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज जिन्हें कहते हैं ये, और 12 प्रिंसिपल हैं। ये कोर वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब आप ये आपकी सोच, मैं कहता हूं ना एजाइल माइंडसेट आपकी सोच बदलने का बायस बनता है। ये वो कहता है कि इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस, लोग और उनके आपस के ताल्लुकात ज्यादा जरूरी हैं बजाय इसके कि असूलो जवाबित और टूल्स इस्तेमाल किए जाएं। कल किसी ने सवाल किया था इसका कोई सॉफ्टवेयर होता है, सर जी नॉट इंपॉर्टेंट, होता है तो कर लेंगे इस्तेमाल, नॉट इंपॉर्टेंट। जी ताहा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सर बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपके पास ठीक है इंडिविजुअल और इंटरेक्शंस जो है ना वो ठीक है इम्पोर्टेंट होती है, मगर जब तक आप किसी को वेट नहीं करवाते किसी चीज को, तो आपको अनलेस एंड अंटिल मतलब आपके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, तो इस मतलब एक उस तरह से आप लाइक ट्रस्ट वाला एनवायरनमेंट उस तरह से नहीं होता ना। आई मीन टू से कि इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैंने आपको काम करके दे दिया लेट्स से, तो आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने टाइमलाइंस को फिक्स करके आगे किसी और भी पार्टी को देना है, यानी कि एक प्रोसेस चलाना है। तो वो जो प्रोसेस चलाना या एक नेक्स्ट मतलब फॉलो करना है, तो आपको एक पास रिकॉर्ड और टाइम लाइन जो सब कुछ जो है ना वो अवेलेबल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर एक तरह से उसकी विजिबिलिटी प्लस प्रोसेस एंड टूल्स इक्वली इम्पोर्टेंट, या मेरे ख्याल से शायद वो प्रोसेस एटलीस्ट और टूल्स भी जो कि उसको हेल्प आउट करें प्रोसेस को एक काम को कंप्लीट करने के लिए, वो उतना ही या शायद ज्यादा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। मे भी आप सर कोई कह सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें मैंने जब ये बात कही, अभी मैंने तो शुरू किया था, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको जज कर सकते हैं। मैंने जो बात कही, मैंने ये नहीं कहा कि प्रोसेस और टूल्स बेकार हैं, मैंने ये कतन नहीं कहा। मैंने ये कहा कि एजाइल माइंडसेट ये कह रहा है, एजाइल मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि लोग और उनके दरमियान के ताल्लुकात और इंटरेक्शन जो हैं वो प्रोसेसेस और टूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रोसेसेस और टूल्स
ये किसी ने नहीं कहा कि इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन फौकियत अगर लोगों को होगा, अब इसको मैं यूं जाहिर कर दूं, कहते हैं कवानीन इंसानों के लिए बनाए गए हैं, राइट, इंसानों के लिए कवानीन बनाए गए हैं, और अगर एवोल्यूशन हो रही है, कोई ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वक्त के साथ कवानीन बदले भी जा सकते हैं। इसी तरह प्रोसेसेस, एसओपीज जरूरत के मुताबिक बदली भी जा सकती हैं। ऐसा कोई कोई खुदाई कानून नहीं आ गया कि आप कहें कि नहीं जी बस ये तो पत्थर पे लकीर है, अब तुम मरो या जियो, तुमने तो इसी सुराख से गुजर के जाना है। तो ये पॉइंट है कि लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने काम करना है, और जिनके दरमियान उनके दरमियान का इंटरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एजाइल माइंडसेट। बातें आप सुन लीजिए, बाद में हम इसको कॉन्टेस्ट कर लेंगे। मुझे आपकी बात से ये अंदाजा हुआ कि आपके ख्याल में प्रोसेसेस एंड टूल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ एक और बात बताऊं, ये सोच जो आप लेके चल रहे हैं, ये सोच है ट्रेडिशनल सोच, ठीक है जी, जो मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, ये उसकी सोच है कि लोग दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये प्रोसेस है, इस तरीके को फॉलो करो। भाई तरीका रिवाइज भी हो सकता है लोगों की जरूरत और नीड के हिसाब से, तो फौकियत लोगों को देने की जरूरत है, एक बात तो ये है। अच्छा जी, दो हाथ और भी खड़े हुए थे, जरा आप दोबारा हाथ खड़ा कीजिए, बीच में आप लोग उसमें दिल छोड़ जाते हैं, हाथ नीचे कर लेते हैं। एक तो गालबन अबरार, अबरार आप कुछ कहना चाह रहे थे, अबरार चौधरी साहब, और इधर से कौन था जी, नवाज, कौन था, नुमान या नवाज जी, हाथ खड़ा कीजिएगा जी, कौन, किसने हाथ खड़ा किया था पहले। अच्छा मैं तहा आपकी तरफ आता हूं वापस, आपको मेरा पॉइंट समझ आया था, जी सर समझ आया मुझे बिल्कुल, और आपसे मैं किसी हद तक एग्री भी करता हूँ कि प्रोसेसेस से ज्यादा इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और प्रोसेसेस अगर मतलब उससे ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली उसको हमें इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स की बेसिस पे उनसे उनकी ईज के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एसओपीज को रिवाइज करना चाहिए या अपडेट करते रहना चाहिए। मगर मगर मेरा मेरा कंसर्न यह था कि अगर हमारे पास सही है, आप भी सही कह, सही आपकी जरूरत के हिसाब से, इसी इसीलिए तो हम कहते हैं हम फ्लेक्सिबल हैं, एजाइल फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी का एक आप अपने टीम मेंबर्स और अपने स्टेक होल्डर्स की ख्वाहिशात के मुताबिक मोल्ड होने के लिए तैयार हैं, तो एक ये बात है। दूसरा पॉइंट जो है उसके ऊपर भी एक दफा इसी तरह से एक स्टूडेंट के साथ काफी बहस हो गई, उन्होंने मुझे कहा कि एजाइल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, यहां वो कह रहा है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। अब ये चूंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात है तो उसने वर्किंग सॉफ्टवेयर कहा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको अप्लाई करते हैं, आप कहेंगे वर्किंग डिलीवरेबल और वर्किंग प्रोडक्ट ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो बनाने के लिए जा रहे हैं उस चीज का बनना जरूरी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ना भी हो तो गुजारा हो जाएगा, ये इसका पॉइंट ये है। लेकिन फिर वही बात कि लोग जो खासतौर पे सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री से हैं वो कहते हैं ना जी ना, डॉक्यूमेंटेशन के बगैर तो सॉफ्टवेयर फिर बेकार है ना जी, उसको अंदर। अच्छा अब बात ये कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन करने जाते हैं हम बहुत सी फजूल और अननेसेसरी चीजें बना लेते हैं, इतने मोटे मोटे जखीम वो फोल्डर्स बना लेते हैं जिसको कभी कोई बाद में पढ़ता भी नहीं है। यहां पर वो ये कह रहा है कि बेर मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन करते हुए फोकस अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा रखा जाए। जी मोहम्मद नवाज, जी नवाज सर, मेरा सर एक मैं कल भी क्वेश्चन, असल मेरा माइक का इशू आ गया था, एक क्वेश्चन मैंने पूछना था जी। मैं अगर मैं कहता हूँ कि पीटीसीएल के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो मेरा लगा हुआ है, यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसके साथ स्क्रम को हम अगर इंप्लीमेंट करें तो आप हमें इन रिटर्न क्या देंगे, माइंडसेट देंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन देंगे, किस तरह मतलब कि वो उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इस बात के लिए कन्वेंस होना पड़ेगा आपके एग्जेक्टिव्स को कि यार ये एजाइल वाला तरीका ठीक है, इसको इसको ट्राई करना चाहिए। अगर तो नियत ही नहीं है किसी की तो फैशन के तौर पर तो एजाइल नहीं इंस्टॉल हो सकता, मतलब एजाइल के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब सोच ही नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो वो चीज चलेगी नहीं,
ज्यादा देर नहीं चलेगी। आप लोग फैशन के तौर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और कुछ अरसे के बाद यू विल रिवर्ट बैक टू द ओल्ड सिस्टम। तो ये जो सॉफ्टवेयर आजकल आ रहे हैं, मैं आपको अभी कुछ उनकी एग्जांपल्स भी देता हूं, जो आजकल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनमें ये ऑप्शन मौजूद है। इवन जो पुराने सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमावेरा, ये सारे, ये भी अब अपने अंदर एजाइल के ऑप्शन देते हैं। अगर आप एजाइल में काम करना चाहें तो आप ये चीजें कर सकते हैं। खैर, तो पहली बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर इज नॉट मतलब इम्पोर्टेंट। ये वर्किंग सॉफ्टवेयर की जो बात कर रहा हूं ना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इधर मैं रिप्लेस करूंगा कि आपका वर्किंग डिलीवरेबल या वर्किंग प्रोडक्ट, जो चीज, जो मिशन है आपके प्रोजेक्ट का या जो भी इस फेज का या प्रोजेक्ट का या जो भी आपका मिशन है, वो चीज का बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुफस्सिल तौर पे बयान होने के मुकाबले में। ये जी नवाज, ये नवाज बात समझ आई? सर बात तो समझ आ गई, लेकिन मेरा ये स्टिल जो अभी तशनगी रह गई है वो ये है कि जिस तरह मैं सपोज ये स्क्रम की सर्टिफिकेशन करने जा रहा हूँ, तो मैंने बेसिकली प्लीज डोंट जंप द गन, अभी तो हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, आप उसके जो बिल्कुल अल्टीमेट बेनिफिट की तरफ जा रहे हैं, आपको वो समझ जी सर समझ ही नहीं आएगी बात जब तक आप इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को या वैल्यूज को नहीं समझ लेते। तो उस जगह तक जाएंगे हम, थोड़ा इंतजार करने पहुंचेंगे तो हम ये भी बात करेंगे कौन सी सर्टिफिकेशन है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो लेवल तक जाना चाहिए, ये सब बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एजाइल बना क्यों, उसके पीछे रैशनल क्या था, इस रैशनल को एक दफा समझ तो लें, फिर आप यही सवाल मुझसे दोबारा कीजिएगा, ठीक है ना जी? हाँ जी। अच्छा जी, तो ये बात भी समझ आ गई कि जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं, जो डिलीवरेबल है, डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंटेशन करो ही ना, मतलब मुझे एक बंदे ने आके कहा कि जनाब एजाइल में तो डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन मिनिमाइज कर दी गई है, कोशिश की जाए कि जितनी कम डॉक्यूमेंटेशन में गुजारा हो सके, जिसे कहते हैं बेरली एसेंशियल, और ज्यादा फोकस आपका वैल्यू जनरेशन की तरफ हो कि जो चीज बनाई जा रही है वो बने। तीसरा पॉइंट है कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। इससे भी आप मुझसे डिफरेंस करेंगे। कस्टमर कोलैबोरेशन का मतलब है कि मेरे कस्टमर के साथ ताल्लुकात ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई शिकों के मुकाबले में। अब ये बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे हर कोई कहता है ये क्या बात हुई जी, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट तो निगोशिएट हुआ है, वो तो एक फाइनल शक्ल बनी और उसी के मुताबिक तो काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनाब फ्लेक्सिबिलिटी। एजाइल के अंदर हम ये कहते हैं कि कस्टमर इज द गॉड, कस्टमर जो कहता है वो मुकद्दम है, कस्टमर को फैसिलिटेट करें हर सूरत में, और कॉन्ट्रैक्ट तो रीनिगोशिएट भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया है कोई मसला नहीं है, हम दोबारा बैठ जाएंगे और उन चीजों को रीनिगोशिएट कर लेंगे। आज जो नया दौर आ रहा है उसमें ये जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तरीकाकार था या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का तरीकाकार है, वो शायद हमें थोड़ा सा बदलना पड़े। फिर मैं ये भी समझ रहा हूं कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हैं उसके अंदर आपको जरा मुश्किल लगेगा इस चीज को हजम करना, लेकिन अल्टीमेटली जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचेंगे और इस तरह के सिनेरियो के अंदर होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात जो लिखी हुई है, दिस कैन ऑलवेज, मतलब हम म्यूचुअली एग्री करते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई क्यामत नहीं आ गई। कस्टमर की जरूरत को समझें, कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को समझें और मैक्सिमम उसकी मदद करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उससे जहाद पे निकल जाएं। जी ताहा। जी सर, इसकी कोई एग्जांपल देंगे? और हम लोग अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को मतलब लाइक कस्टमर को कोलैबोरेशन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हम फाइनल नहीं करते शुरू में, तो हम लोग उसकी ओपननेस किस तरह रखेंगे? और फिर
जारी बात है कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स आएंगे जिसपे हमें कॉस्ट तो इम्पोर्टेंट होगी ना, तो वो चीज हम किस तरह कवर कर रहे होंगे इस केस में, अगर आप कोई एग्जांपल के साथ बता सके। अगर मैं कस्टमर को फैसिलिटेट करता हूं कि सर आप जो चेंज करनी है कर सकते हैं, तो ओनर्स जो है उस चेंज को लाने का वो कस्टमर के ऊपर है। मैंने कस्टमर से जो कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल रिक्वायरमेंट सेटल की हैं, उनकी पेमेंट मैंने उसके अंदर कोट की हुई है। लेकिन अगर कस्टमर कोई चीज तब्दीली बताएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उसको रेजिस्ट ना करें, उसके साथ बैठ जाएं, उसे कहें कि सर ये तब्दीली जो आप कह रहे हैं ये मुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है, अगर मुमकिन है तो इसके ऊपर इतने पैसे मजीद लगेंगे, आए बैठ के इसको एग्री कर लेते हैं और इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं। मेरा मतलब है आपका तो कोई नुकसान नहीं है, जो चीज भी आप उसमें ऐड कर रहे हैं कस्टमर विल हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि कस्टमर चेंज कर रहा है। बात समझ आई आपको? जी, इसका मतलब है कि शुरू में हम लोग एक जो प्लान है हमारा उसके मुताबिक कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हम उससे निगोशिएट करेंगे, मगर उसमें ओपननेस रखेंगे फॉर द फ्यूचर चेंज, या मगर वो चेंज डेफिनेटली वो भी रीनिगोशिएट होगा। ये तो जी। हम अभी भी इसी तरह करते हैं सर, लेकिन इसमें अभी भी नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं। एजाइल में तब्दीली बहुत ज्यादा है। मतलब यूं समझिए कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें बहुत वाजे तौर पे आप इनिशियली डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या बनेगा। मतलब वो कस्टमर आता है कि वो कहता है जी मुझे एक पेरोल का सॉफ्टवेयर चाहिए। अच्छा, तो क्या हो उसके अंदर, ये अभी मुझे नहीं पता। गौर करें जरा इस बात के ऊपर, ये अभी मुझे नहीं पता उसमें क्या चाहिए, मैं साथ साथ बताता रहूंगा। ये सिचुएशन है जिसमें आप उसको एक लमसम कोट कर देते हैं और उसमें आपने अपनी कैलकुलेशन में जेन में रखा होता है कि ये फीचर हम इसमें डालेंगे। लेकिन कस्टमर जब जो ही उसमें कोई चीज घटाता या बढ़ाता है तो हम फौरी तौर पे उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसके हिसाब से अगर तो वो फिट होता है, हमारे जो हमने कोट किया हुआ है उसके अंदर फिट होता है तो वेल एंड गुड, हम उसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई एडिशनल फीचर वो ऐसा बता रहा है जो कि हमने कंसिडर नहीं किया हुआ था तो वो उसके साथ निगोशिएट कर लेंगे। तो ये है बहुत ज्यादा अनसर्टन प्रोजेक्ट्स के लिए, तब्दीली ज्यादा आती ही उन प्रोजेक्ट में है जिनके बारे में हम हाईली अनसर्टन होते हैं। गॉट इट साहब? जी, जैसा आप कल बता रहे थे कि ये प्रोजेक्ट्स जो है इस तरह के कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे इस तरह से, क्योंकि डेफिनेटली हमने इसको एक ऐसी वो बात नहीं, ओपननेस रखी होगी, तो ये चलते रहता है ऐसी बात और नहीं है, ऐसे कभी ही ऐसे लोग। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रोजेक्ट खत्म ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आम प्रोजेक्ट जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के मुकाबले में ये जरा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको शैतान की आंत की तरह खींचते चले जाएं और वो इन्फिनिटी तक चला जाए, ऐसा ऐसा नहीं है। हमें एक ब्रॉड स्कोप तो पता है ना कि हमने बनाना क्या है, तो पेरोल का सॉफ्टवेयर बनाना है, सही, ये ना हो कि आप पूरा MIS बनाना शुरू कर दें, दैट इज नॉट इन द स्कोप। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था। या ये तो इनिशियली हम हाई लेवल बिल्कुल स्कोप फाइनल करते हैं, उसको अपडेट। ठीक है, अच्छा, ये चौथा जो इसका पॉइंट है वो है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग द प्लान। ये वही ट्रेडिशनल मिथ को मारने वाली बात है। कहते हैं जी हम चेंज के साथ फ्लेक्सिबली फटाफट चेंज होने वाले लोग हैं, हम फॉरन चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम प्लान्स को नहीं देखते रहते कि प्लान में क्या लिखा हुआ है। प्लान को फॉलो, मैं ये नहीं कह रहा कि फॉलो ना करें, फॉलो करेंगे हम प्लान को, लेकिन जो ही कोई चेंज आएगी तो हम इमीडिएटली अपने फ्लेक्सिबिलिटी के मोड में चले जाएंगे और हम ये देखेंगे कि प्लान में ये तब्दीली कैसे एडजस्ट की जा सकती है। मतलब सोच बदलने की बात है सिर्फ, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये एजाइल माइंडसेट है। तो ये चार वैल्यूज, एक तो लोगों, अब वो जो लोगों की बात है उसको जरा गौर कीजिए, दिस इंडिकेट्स द सर्वेंट लीडरशिप वे ऑफ वर्किंग। सर्वेंट लीडरशिप में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, दे आर फुली एम्पावर्ड और उनको हम अलाउ करते हैं कि वो अपने ग्रुप, अपनी टीम के साथ जैसे मर्जी रिलेशनशिप रखें और जो भी एहसन तरीन तरीका हो सकता है उस तरह से करें। हम उनके ऊपर कोई प्रोसेसेस थोपते नहीं हैं, हम कहते हैं जैसे तुम लोग चाहो बेहतरीन तरीके के साथ इस काम को बताओ कैसे करोगे, एम्पावर कर दिया। नौ, जिम्मेदारी उन लोगों की है। इस पे बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं कि अच्छा वो अगर काम ना करें, ये ना हो, वो सब बातें एड्रेस होंगी, लेकिन पहले तो इस सोच को हजम करने की कोशिश करें कि यार ये ऐसा एक अनोखा तरीका सोचने का है हमारे पास एजाइल, और उसके मुताबिक क्या हो। फिर हमने दूसरी बात कही कि डिलीवरेबल
ज्यादा जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन से, कस्टमर के साथ ताल्लुकात या कोलैबोरेशन ज्यादा जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन से, और चेंज को रिस्पॉन्ड करना ज्यादा जरूरी है प्लान को फॉलो करने से। ये जनाब वो बेसिक चार प्रीमाइज या चार वैल्यूज थी जिनके ऊपर एजाइल मैनिफेस्टो लिखा गया। ना सिर्फ ये कि एजाइल मैनिफेस्टो लिखा गया, बल्कि इस एजाइल मैनिफेस्टो में उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स भी दिए। ये 12 प्रिंसिपल देखेंगे आपको चीजें थोड़ी और वाजे हो जाएंगी। आप यहां देखिएगा, कहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय रैपिड डिलीवरी ऑफ यूजफुल। अब चूंकि ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा अमेंड करना होगा हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से, तो प्रोडक्ट कह लीजिए यूजफुल प्रोडक्ट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक जरिया उसने ये बताया कि कस्टमर को जल्द अज जल्द ज्यादा से ज्यादा वैल्यू डिलीवर करें ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो। मतलब हम उसको जल्दी डिलीवर करना चाह रहे हैं हायर वैल्यू। ठीक है जी। से होता यह है कि जो भी काम कस्टमर हमें देता है, हम अगर उन सारे कामों में ये देख लें कि कौन से काम से कितनी वैल्यू जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक काम से एक यूनिट वैल्यू जनरेट हो रही है, दो से दो यूनिट हो रही है, एक से छह यूनिट हो रही है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि अगर मुमकिन हो सके तो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू जनरेटिंग काम अगर शुरू में किए जा सकते हैं तो वो शुरू में कर लिया जाए, ताकि हाईएस्ट वैल्यू पहले ही दो हफ्ते में कस्टमर के हवाले हो जाए और कस्टमर को इतनी सेटिस्फेक्शन हो, यार क्या कमाल है इन लोगों का, इन्होंने तो पहले ही हफ्ते ही 20% काम कर भी दिया। ऑल्दो वी अंडरस्टैंड कि अब बाकी काम जो है उसमें अगला जो आइट्रेशन होगा उसमें शायद हम 20% ना कर सकें, उसमें शायद हम 18% कर सकें, उससे अगले में और कम, लेकिन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन एक रेपो आपकी बन जाएगी कि ये तो लोग डिलीवर करते हैं और वैल्यू देते हैं। जनरली मैंने ये बात आपको थोड़ी सी बताई है, इसके ऊपर और भी बहस हो सकती है। फिर इधर आ जाइए जी, राइट हैंड साइड पे, फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, अब इसका इसके आगे उसने लिखा हुआ है कोलोकेशन। इसका मतलब यह है कि जो हम आपस में दू बदू बात करते हैं आमने सामने बैठकर, वो इस टेलीफोन पे बात करने से, ईमेल पे बात करने से या डिस्टेंट कम्युनिकेशन से बेहतर है। मतलब कोशिश ये की जाती है एजाइल प्रोजेक्ट्स के अंदर कि अगर जो आपकी टीम है जिसने काम करना है वो एक ही कमरे में कोलोकेट कर दी जाए, ताकि वो बजाय इसके कि अलग अलग कमरों में बैठे हों और वो उसको फोन करे या मैसेज भेजे या उसके पास चल के जाए, एक ही कमरे में सारे लोग बैठे हुए हैं और वहीं बातचीत हो रही है, सब सुन रहे हैं क्या हो रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है। मतलब कम्युनिकेशन दूबदू हो और सामने हो। जहां तक रिकॉर्ड कीपिंग का ताल्लुक है, जो कि पॉइंट भी था आप लोगों का कि भाई वो फिर रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो उसका भी एक बहुत ही आला तरीका यहां पर एजाइल में इस्तेमाल किया जाता है कि हर चीज जो हो रही है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कैसे रखा जा सकता है। बजाय इसके कि हम जखीम किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनाएं, हम उसी कमरे की दीवारों को डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमने चार्ट्स वहां लगाए हुए हैं, प्रोग्रेस वहां नोट हो रही है, एनालिसिस वहां हो रहे हैं, हर चीज दीवारों पे हो रही है। और इवन जब आप एक काम कर लेते हैं तो आप एक चिट पे रख के एक बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं कि ये काम मैंने कर दिया। अब ये उसका काम है, मैंने वैसे उसे आवाज देके बता भी दिया कि यार मैंने काम कर लिया है, लेकिन ये उसका काम है कि वो जाके बुलेटिन बोर्ड पे देखे कि जनाब कौन से काम हो गए हैं और मेरा काम का वक्त आ गया कि नहीं आ गया। मतलब टाइमलाइंस भी लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है, चार्ट्स लगे हुए हैं, कौन कौन से काम हो गए हैं, कौन से ऑनगोइंग है, एवरीथिंग इज ऑन द बोर्ड। और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपकी दीवारों पे है, मतलब कागजी डॉक्यूमेंटेशन मिनिमाइज हो गई। और इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि एट द एंड ऑफ द डे इफ यू कैन टेक फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द वॉल्स, दिस इज योर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्लासिकली स्पीकिंग। मगर मैं ये कतन नहीं कह रहा कि पेपर डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल तौर पर खत्म होगी, वो थोड़ी बहुत चलती रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हैं वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन द डेवलपमेंट। कहते हैं आपने ना नहीं करनी,
जिस वक्त भी कोई चेंज आती है यू शुड ऑलवेज बी, आपका एटीट्यूड वेलकमिंग होना चाहिए कि मतलब रेजिस्ट ना करें, उसको रिफ्यूज स्ट्रेट अवे ना करें, बल्कि उसको वेलकम करें. यू मतलब इन अदर वर्ड्स यू आर वेलकमिंग चेंज हेयर. सो जो चेंज रिक्वायरमेंट में तब्दीलियों के बारे में बात होती है, तो हम बेशक वो कभी भी हो, लेट हो, आखिर में हो, जब कभी भी हो, हम उस चेंज को सिंपथेटिकली देखना और डिस्कस करना पसंद करते हैं. प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हु शुड बी ट्रस्टेड. जो टीम के मेंबर्स होंगे वो ऐसे लोगों को टीम के अंदर रखा जाए जो वाकई काम करने वाले लोग हों. अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर ऐसा बंदा कोई आ भी गया है टीम में जो काम करने वाला नहीं है, तो अल्टीमेटली वो खुद ब खुद वीड आउट हो जाएगा, आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वट एवर द टीम इज डूइंग इज द टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम किसी इंडिविजुअल की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत खराब है. अब वो कहेंगे यार हमने तो सब काम ठीक किया है, ये जो काम कंप्लीट नहीं हुए वो इस बंदे की जिम्मेदारी है. वो उसको जाने, उससे उसको समझे, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते. वो खुद रिकमेंड करेंगे जी ये बंदा हमारी टीम में नहीं होगा, इसको यहां से चेंज कर दें या निकाल दें. मतलब फॉर दैट मैटर टीम डायनेमिक्स चलेंगी और पीपल आर हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि वो खुद कमिट कर रहे हैं कि हमने ये काम कर, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर लेंगे, और हम कह रहे हैं कि हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं. मतलब ये बिल्कुल हमारी कॉमन फिलॉसफी के अपोजिट है कि हम आमतौर पे लोगों पे ट्रस्ट करते कोई नहीं है और टीमें खुद बिल्ड करते हैं. टीम हमारी तरफ देख रही होती है, अच्छा सर हुक्म दें, जो कहेंगे मैं कर लूंगा. वो उनकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है काम करने की, वो उसको कभी टच ही नहीं करते, वो सिर्फ आपकी तरफ देखते रहते हैं. इसमें मैं एक एग्जांपल लूंगा. एक फौजी होता है, उसको जो कहते हैं वो काम करता जाता है. अच्छा, आप उसे सख्त काम भी कराते हैं, आसान काम भी कराते हैं, गुस्सा भी करते हैं, ऑटोक्रेटिक आप उसको डील करते हैं, आपको कभी भी उसके ट्रू पोटेंशियल का पता नहीं चलता, क्योंकि आप जबरदस्ती उससे एक काम ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी से काफी ज्यादा जो भी है, और आप इंडिविजुअल आपको जवाब दे और आप उसको पकड़ के झाड़ फैलाते हैं या सजा देते हैं. एक इसी तरह का आदमी जो मतलब जैसे आप कह लें फौज में जैसे गूफी टाइप का बंदा जी, जो उसे वो बिल्कुल ही गधे की तरह बस काम करता रहता था और कुछ नहीं. तो एक दफा एक बंदा इस तरह मेरे अंडर था और वो छुट्टी गया हुआ था, तो मुझे किसी ने बताया कि जी वो गांव में वो नहीं होते जो जिरगा बैठता है, कि वो जी गांव के जिरगे में बैठता है. मैंने कहा यार वो तो बेवकूफ सा आदमी है, वो जिरगे में क्या करता है बैठ के. उन्होंने कहा नहीं जी वो तो बड़े बड़े उसने मसले भुगताए हैं. मतलब मैंने कहा यार वो बंदा कभी स्ट्रेट सोच नहीं सकता. एक्चुअली होता ये कि जब ऑटोक्रेटिक माहौल होता है तो वो बंदा अपना बिल्कुल सुमुन बुकमुन करके अपनी अकल की छुट्टी करा के ऑफिस आता है. वो जब गांव से वो घर आता ऑफिस आता है तो वो अपनी अकल शकल घर छोड़ के आता है. उसने कहा जी मैंने तो बोलना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, मुझे जो कहा जाएगा मैं सिर्फ वही करूंगा. वो कोई काम करने की अहलियत भी रखता होता है, मगर वो उसका जिक्र ही नहीं करता कि मैं ये काम कर सकता हूँ, चुप करके बैठा रहता है और जो उसे कहा जाता है उसे करने की कोशिश करता है, और वो भी बेदिली के साथ. तो कहने का मकसद है कि आदमी का सही पोटेंशियल अगर आपने निकालना है तो आप उसको एम्पावर करके देखें, उसको ताकत देके देखें, उसे कहें भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, करो जैसे मर्जी करो. बल्कि ना सिर्फ आदमी को, बल्कि मैं तो टीम लेवल की यहां बात कर रहा हूं. फिर जनाब हमने कहा वर्किंग सॉफ्टवेयर, तो इधर वर्किंग सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर लीजिए प्रोडक्ट के साथ. तो कहते हैं प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, जो भी बना रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली डिलीवर होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी उसका पोर्शन डिलीवर होता रहता है हर आइटरेशन के बाद. मतलब मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि एक चीज एक ऐसा कोई डिलीवरेबल है जिसने एक मुकम्मल शक्ल में ही आखिर में डिलीवर होना है, लेकिन उसके पार्ट्स तो बनते रहेंगे और हम कस्टमर को बताते रहेंगे और उसे टेस्ट करवाते रहेंगे और चेक करवाते रहेंगे कि ये ना गाड़ी का फलाना पार्ट बन गया, ये आप चेक कर लें, दूसरा पार्ट बन गया ये चेक कर लें, और हर आइट्रेशन में कुछ ना कुछ डिलीवर हो रहा होगा. बेशक जो फुली फंक्शनल आइटम होगा वो आखिर में ही निकलेगा, लेकिन ऐसे भी डिलीवरेबल होते हैं जिसके अंदर डिलीवरी कस्टमर के हवाले हो सकती है इन बिटवीन.
हर आइट्रेशन के बाद हम उसको वो चीज दे सकते हैं, पार्ट ऑफ इट इज यूजफुल टू द कस्टमर। फिर जी कॉन्टिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन। अब चूंकि हम मुसलसल फोकस्ड हैं तो वो एक महदूद नंबर ऑफ टास्क के ऊपर इन वन आइट्रेशन, तो हम उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, उनको अटेंशन दे सकते हैं और बेहतरीन डिजाइन टेक्निकली टेक्निकल एक्सीलेंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि जी ये 10 काम करने हैं मेरे पास, इनको मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, तो टीम करती है ये काम। तो टीम जो है वो, और मैंने ये बताया था एक टीम जो होती है वो कॉम्पिटेंट होती है टेक्निकली अपने काम करने के लिए, और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसका जो हुनर है वो वाला हुनर इस्तेमाल करता है और उसके साथ वो काम करता है। फिर उसने कहा जी फिर वही वर्किंग डिलीवरेबल इज द प्रिंसिपल मेजर ऑफ प्रोग्रेस। जो डिलीवरियां आप कर रहे हैं उससे प्रोग्रेस आपकी मेजर की जाएगी, ना कि आपने काम कितना कर लिया। काम तो बेसिकली डिलीवरी के ऊपर ही खत्म हो रहा है ना, तो डिलीवरी को नापते जाएं, आपकी खुद ब खुद अर्न जो आपने अर्न किया है वो सामने आता जाएगा। फिर है सिंप्लिसिटी, द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। ये एक लीन प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि एक ही वक्त में इतने ज्यादा काम मत उठा लें कि कोई भी काम खत्म ना होने पाए। तो ये कहते हैं कि कीप द थिंग्स सिंपल, जितना लोड आपकी टीम कैरी कर सकती है एट एनी वन पॉइंट इन टाइम, कीप द थिंग्स सिंपल एंड ओनली डू दैट मच जॉब। और लिमिट करने से इसको कहते हैं वर्क क्या लफ्ज है जी, वर्क इन प्रोग्रेस को लिमिट कर दिया जाए कि काम जो हो रहे हैं उनकी तादाद फिक्स कर दी जाए कि इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, इससे ज्यादा हम काम नहीं करें। जी जाहिद खान साहब, सर सर आपका माइक बंद हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा सर, मुझे एक छोटी सी कॉन्ट्रडिक्शन इसमें नजर आ रही थी। एक तरफ तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जहां जहां पर वो एडिशंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, आप उसको अडॉप्ट करते रहे। दूसरी तरफ वी आर सेइंग कि वी वुड बी गेजिंग आर परफॉर्मेंस ऑन डिलीवरी। तो अगर हम डिलीवरी की तरफ ज्यादा फोकस्ड होंगे तो जितनी एडिशन आ रही है शायद हम उसे खुद जान के अनकॉन्शियसली अडॉप्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उससे मेरी डिलीवरी टाइम जो है वो डिले हो रहा होगा। सर इसमें सोचने की ये बात है कि हमने बात की थी छोटी छोटी आइट्रेशन की। जो एक आइट्रेशन है से उसका साइज 2 हफ्ते है, 2 हफ्ते में जो हम काम कर रहे हैं हम उसकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि उस काम वो जो 8 या 10 काम मैं इन 2 हफ्तों में करना चाह रहा हूं, उन 10 कामों के लिए मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं कि बेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। बाय द एंड ऑफ दिस आइट्रेशन उसका डिलीवरेबल निकलेगा, वो डिलीवरेबल हम कस्टमर के हवाले करेंगे। ये उसकी हर आइट्रेशन की आउटपुट होगी जो वैल्यू जनरेट करके उसको देगी। तो मैं जो भी कोई प्लानिंग कर रहा हूँ, जो भी कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ ये कर रहा, और जो भी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिस इज विद इन वन आइट्रेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो मैं ये पॉइंट उस छोटी सी चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। फिर जनाब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट पेस। हाँ जी, 2-2 हफ्तों में हम जब कर रहे होंगे काम तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, आपको वैल्यू आ रही है आ रही है आ रही है, हर मतलब कस्टमर इज श्योर कि एवरी जो आइट्रेशन के बाद उसको कोई वैल्यू मिलेगी और वो सस्टेनेबल वैल्यू उसको मिलती चली जा रही है। और उसको एक तो ये बड़ी खुशी है कस्टमर को कि मैं जो कहता हूँ मान लेते हैं, और दूसरा उसको ये भी बड़ी खुशी है कि मुझे वैल्यू भी खूब से खूब तर जनरेट हो रही है और मुसलसल हो रही है। ये वाला पॉइंट है मुसलसल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला जी सेल्फ रिकॉग्नाइजिंग टीम, इस टीम को किसी ने काबू नहीं करना, टीम ने अपने आप को खुद ही काबू करना है, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट कि कौन परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है कौन नहीं कर रहा। स्क्रम मास्टर का तो काम ही नहीं है कि टीम मेंबर्स के साथ बहस करें कि तू काम आस्था क्यों कर रहे हो, तुम ये करो ना। उसने टारगेट देना है ना उनको उसने कोई और पूछना है, उसने सिर्फ एक बात पूछनी है डेली एक दफा स्टैंड अप मीटिंग में कि वही 4 सवाल, क्या किया आज, क्या करना था, क्या किया, क्या रह गया, क्या मसाइल है, ठीक है जी। ये सवाल उसने पूछने हैं और इन्हीं की रिपोर्ट बना के आगे पेश कर देनी है
टीम को पता होगा कि हमने आज की स्क्रम मीटिंग में ये कमिट किया है कि कल हम ये करेंगे, तो कल तो करना पड़ेगा, उन्होंने खुद कमिट किया है। इसी तरह काम भी उन्होंने शुरू में खुद ही उठाया था और अब वो रोजाना की बेसिस पे कमिट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से यूं कह लीजिए कि अपने आप को खुद ही तंबी कर रहे हैं। तो दिस इज अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम, वो अपने आप को खुद सूट करती है, सेट करती है। और इवन यहां तक जैसे मैंने आपको कहा कि टीम में अगर कोई गैर फाल मेंबर है तो उसकी भी छुट्टी वो खुद ही करा देते हैं, या तो वो उसको अपने बराबर लेके आएंगे, पहले तो यही कोशिश होती है टीम की कि जो बंदा थोड़ा वीक है उसको साथ लेके चला जाए, जब वो समझते हैं कि ये साथ चलने वाली मखलूक नहीं है तो फिर वो उससे जान छुड़ाते हैं, क्योंकि उनकी टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है। अगर वो ये नहीं करेंगे, उस बंदे से जान नहीं छुड़ाएंगे, तो पूरी टीम फारिग हो जाएगी अल्टीमेटली। जब वो दो तीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी इसी तरह की परफॉर्मेंस, लो परफॉर्मेंस देती जाएगी, वो कहेंगे यार तुम्हारी से अच्छी तो वो स्क्रम टीम है, हम उसको ले लेंगे इस काम के लिए, तो अल्टीमेटली ये लोग खुद ब खुद फारिग हो जाएंगे। मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड है सारा कुछ, कोई हम किसी को इंडिविजुअली कोई थोड़ा नहीं मार रहे कि भाई तुम अच्छा काम करो, तुम्हें वार्निंग दी जाती है, वो वार्निंग खुद ब खुद मिल रही है उसे, वो हर बंदे को खुद ब खुद वार्निंग मिल रही है कि परफॉर्मेंस मेरी क्या जाए। फिर जनाब 11वां पॉइंट है क्लोज डेली कोऑपरेशन बिटवीन बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स। जिन लोगों ने काम करना है ना, वो जैसे हमने कहा को लोकेट हुए हैं, वो साथ साथ बैठे हैं और उन वो एक दूसरे से मुसलसल डेली बेसिस पे बात करते हैं और कोऑपरेट करते हैं, और मतलब और इवन जो जो जिन लोगों से इंटरेक्ट करने की जरूरत है वो भी वहीं पे आ जाते हैं, तो एक ही जगह पे बैठ के हम ये सारे मसाइल हल करते रहते हैं। और लास्ट पॉइंट है रेगुलर एडाप्टेशन टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बदलती हुई हालात में आप साथ साथ फ्लेक्सिबली चीजों को चेंज करते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइड्रेशन के अंदर, हाइड्रेशन के अंदर हम कस्टमर की एक नहीं सुनते, लेकिन हाइड्रेशन के अलावा जो उसके बाद वाला काम है वो उसके अंदर वो कोई भी तब्दीली करना चाहे वो कर सकता है, बट दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट एसेट कि हमने उसको इतनी आजादी दे रखी है कि वो कभी कोई भी चीज चेंज कर सकता है। वो अलग बात है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी प्रोडक्ट ओनर की है, वो उससे बहस करता है या जो भी कोई कार्रवाई करता है। तो एक तो जनाब मैंने ये आपको मैनिफेस्टो के चार वैल्यूज और ये 12 प्रिंसिपल्स दिखाने थे, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि जो बातें हम स्क्रम में पढ़ रहे हैं वो एजाइल मैनिफेस्टो के एन मुताबिक है। अदरवाइज वो ये ना पता हो तो बंदा कहता है यार ये पता नहीं कहां से आ गई हैं ये चीजें, तो अभी आपको कुछ थोड़ा थोड़ा अंदाजा चीजों का हो गया होगा। जी जनाब एनी कमेंट्स? अच्छा जी मैं कुछ जी जी ताहा अच्छा सर एक आपने जो प्रिंसिपल्स की बात की थी उसमें एक प्रिंसिपल था डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ना, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टीम है 10 बंदों की, उसमें से कुछ बंदे छोड़ के चले जाते हैं, तो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बियर मिनिमम होगी मतलब जितनी रिक्वायर्ड है हमारा, तो हमारे लिए चैलेंजेस तो आएंगे उसके लिए, अगर हमारे पास पूरे प्रॉपरली वर्क डिफाइंड नहीं होगा तो जो नए बंदे आएंगे उनके लिए चैलेंज तो होगा। वो ये मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन इसमें कोई कम नहीं होती, हमने कहा बेयर मिनिमम, इसका मतलब है कि वो प्रीफेस नहीं बनाए जा रहे होते, लंबी चौड़ी कहानियां नहीं बनाई जा रही होती, सिर्फ जो आपके एनेक्सेस हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जो टेबल्स हैं इस तरह की चीजें हैं वो हैं, वो आप उसमें रखते हैं, और वो भी बनाने की एज सच कागज पे जरूरत नहीं है, आप दीवार पे जो चीजें रोज की प्रोग्रेस हो रही है, जो कमेंट्स हैं, जो भी एवरीथिंग इज ऑन दी वॉल, आप उनकी तस्वीरें खींच लें और उनको एक ऑर्डर में सही तरतीब में लगा लें, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, उसी के समराइज कर लें आखिर में जाके। बाकी अगर कोई छोटी मोटी डॉक्यूमेंटेशन करनी भी है, मिसाल के तौर पर किसी चीज का स्कोप लिखना है, कुछ करना है, वो तो लिख सकते हैं, मना तो नहीं किया, लेकिन मैंने कहा लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, कम अज कम टाइम लगाएं और सिर्फ जरूरी करें। देखें एक इसका रूल ये है कि वैल्यू जनरेट होनी चाहिए, तो डॉक्यूमेंट भी ऐसा बनाए जो वैल्यू जनरेट कर रहा है, जो चीज वैल्यू नहीं दे रही वो फजूल किस्म की बातें लिखने की, तमहीदें बांधने की और उसके अंदर वो कहानियां डालने की वो जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वैल्यू जनरेशन वाली तक काम करें। जी राजा हारिस साहब। जी सर मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि जो कस्टमर के साथ आप कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि कस्टमर जो है किसी भी वक्त आके आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जी जी ठीक है ड्यूरिंग डिलीवरेबल्स,
तो जो टीम काम कर रही है डिलीवरेबल्स के ऊपर, क्या कस्टमर जो है डायरेक्टली उनके साथ आके इंटरेक्ट कर रहा होगा या जो स्क्रम मास्टर है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा? स्क्रम मास्टर से नहीं, प्रोडक्ट ओनर के साथ कर रहा होगा, लेकिन जहां पे आपकी टीम काम कर रही है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। उस कमरे में कस्टमर कभी भी आ सकता है एज अ व्यूअर और विजिटर, लेकिन उसको सख्ती से मना किया जाता है कि आपने यहाँ पे कोई बात नहीं करनी, मतलब कोई यहाँ पे जो काम हो रहा है उसमें कोई तब्दील करने की बात नहीं करनी, आप खामोश ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ बैठ सकते हैं। इसी तरह जो डेली स्क्रम मीटिंग्स होती हैं, कस्टमर आए चाहे तो वो भी पीछे आके खड़ा हो सकता है, लेकिन उसको स्क्रम मीटिंग्स की जो सॉरी डेली स्टैंड अप मीटिंग्स हैं उनमें भी इंटरफियर करने की इजाजत नहीं होती। जब स्प्रिंट खत्म होता है तब उसके साथ हमारा पहला वैलिड इंटरेक्शन होता है 1-to-1। उसके अंदर हम उससे बकायदा रिव्यू लेते हैं कि जनाब ये चीजें आपने ये चीजें इसमें इस क्या कहते हैं स्प्रिंट में हमने आपको ये काम करने थे और इससे ये डिलीवरेबल हैं और ये डिलीवरेबल आप चेक कर लें आपके मिजाज के मुताबिक हैं कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट हमें दी गई थी ये उसके मुताबिक है, वो उसको चेक करता है, अप्रूव करता है, रिजेक्ट करता है, जो भी करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और इसके बाद फिर हम एक रेट्रोस्पेक्ट की मीटिंग करते हैं अमॉन्ग द टीम इटसेल्फ, जिसके अंदर हम लेसन लर्न निकालते हैं कि हमने ये जो एक स्प्रिंट किया है इसमें हमने क्या खोया क्या पाया, ठीक है जी, और फिर उसके साथ इसको और फिर अगले वाले में चले जाते हैं। गॉट इट जी? जी सर, थैंक यू। ताहा आप बताइए। जी जी सर, इस स्प्रिंट को आप किस तरह डिफाइन कर रहे हैं? मैं भी शायद आपने कल बताया और मैं मिस कर गया हूं, तो स्प्रिंट एक आइट्रेशन को स्प्रिंट कहते हैं। आइट्रेशन की मुद्दत आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, एक हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक भी रखी जा सकती है, लेकिन ये तो खैर ज्यादातर सॉफ्टवेयर में देखी जाती है, आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपकी आइट्रेशन का क्या साइज हो सकता है। सो स्प्रिंट को मतलब एक से कंप्लीट, मतलब एक इनिशियल आपकी फॉर एग्जांपल आपने एक फर्स्ट प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो जाती है तो उसको आप एक स्प्रिंट कहते हैं, और अगर फिर इसमें अपग्रेडेशन आती रहेगी तो वो सेकंड स्प्रिंट या थर्ड स्प्रिंट होगी। नहीं नहीं, नहीं ऐसे ही नहीं, नहीं आप ये कहें कि आपका एक प्रोजेक्ट है लंबा सारा जिसकी स्कोप वाजे नहीं है, उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं, आपने उसकी ब्रॉड आउटलाइन को समझ लिया प्रोजेक्ट की, मतलब प्रोडक्ट ओनर ने, और सारी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी गैदर कर सकता था वो गैदर कर ली, उनको सारी रिक्वायरमेंट्स को उसने एक बैकलॉग में डाला, उनको एक तरतीब दी कि जनाब हाईएस्ट वैल्यू और पहले करने वाले काम कौन से हैं, वो स्टैक कर लिए कि सबसे पहले कौन से काम होने चाहिए, उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक सिंगल स्टैक में उसने प्रोडक्ट बैकलॉग बना लिया। अब उसने ये डिसाइड कर दिया कि से कि जी 2 हफ्ते का स्प्रिंट होगा, स्प्रिंट की टीम को उसने स्क्रम टीम को उसने नॉमिनेट कर दिया, नॉमिनेट क्या कर दिया मतलब वो जो भी असेंबल होगी टीम आपकी 6 से 8 लोगों की या 10-12 की भी हो सकती है, आइडियल 6 से 8 की टीम होती है, वो 6 से 8 की टीम आई और उन्होंने इस प्रोडक्ट बैकलॉग में से टॉप में से देखने शुरू किए कि कौन कौन से काम हम कितने काम हम कर सकते हैं, ऊपर वाले कितने काम हम कर सकते हैं, ये वो याद रहे ये वो काम है जो हाइएस्ट वैल्यू के हैं और सबसे पहले करने वाले, तो उन्होंने कहा यार ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे, और उन्होंने 10 काम उठा लिए ऊपर से, ये 10 कामों का स्टैक उठा के वो अपने स्प्रिंट में ले गए और वहां उन्होंने अपना एक छोटा सा बैकलॉग बना लिया, उसे कहते हैं स्प्रिंट बैकलॉग, उसी तरतीब में वो 10 काम उन्होंने वहां रख दिए, फिर वो ऊपर से एक काम उठाते हैं उसे करते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं फिर उसको करते हैं, ये सब कुछ हो रहा है और डेली की प्रोग्रेस बन रही है, डेली स्क्रम मीटिंग्स हो रही हैं, स्टैंड अप मीटिंग्स हो रही हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द पीरियड 2 वीक्स का उस वक्त तक जब ये काम सारे कर चुके होंगे तो जो जो डिलीवरेबल इनसे निकलने हैं वो उन्होंने फिर स्टेक होल्डर आएगा उसके साथ मीटिंग में, उससे वो प्रीव्यू कराई जाएंगी और उससे अप्रूव कराई जाएगी। तो दरमियान में इस आइट्रेशन के अंदर अंदर या स्प्रिंट के अंदर अंदर स्टेक होल्डर आ तो सकता है, देख तो सकता है, लेकिन इंटरफियर नहीं कर सकता, लेकिन उसका फर्स्ट इंटरफेरेंस उस पॉइंट पे होता है जब उसने एक्सेप्टेंस देनी होती है उन डिलीवरेबल्स की जो इस स्प्रिंट के डिलीवरेबल्स हैं, उनको वो एक एक करके देखता है, अगर वो किसी चीज को रिजेक्ट करे तो लाजमी बात है उसके ऊपर बहस होती है कि जनाब ये तो जो आपने रिक्वायरमेंट दी थी वो तो हमने पूरी की है,
उसके ऊपर बहस होती है, वो कहता है नहीं ये रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं ऐसे करनी थी, आप कहते हैं ये क्लियर क्लियर नहीं थी, या जो भी कोई हिसाब किताब था। तो मतलब ये है कि जो आपका प्रोडक्ट ओनर है, आप यूं समझिए कि वो बन जाता है वकील कस्टमर का, वो कस्टमर की तरफ से आपसे लड़ता है, आप ही का प्रोडक्ट ओनर, आपका स्पॉन्सर जो है वो आपसे लड़ता है कि नहीं कस्टमर ये इसके इसके पॉइंट को वो डिपेंड करता है, और आपने अपनी वो अपने आप को डिपेंड करना होता है। और अल्टीमेटली जो म्यूचुअली एग्री होता है उसके हिसाब से जो जो चीजें एक्सेप्ट हो गई हैं उनको एक्सेप्ट करिए, और जो चीजें एक्सेप्ट नहीं हुई इसका मतलब है कि वो वाले काम जो से के दो काम ऐसे थे 10 में से जो जिनके डिलीवरेबल एक्सेप्ट नहीं हुए, तो वो जो दो काम है वो वापस ले जाके प्रोडक्ट बैकलॉग पे रख दिए जाते हैं। मतलब ये हुआ ही नहीं, ये किसी ने शुरू ही नहीं किया, काम हुआ ही नहीं है वाला, ठीक है जी। और अल्टीमेटली फिर जो अगली आने वाली टीम होती है वो उसको वो जब जाती है तो उसको सबसे ऊपर वो दो काम पड़े मिलते हैं, वो फिर देखती है कि हमारी क्या कैपेसिटी है, वो उसके हिसाब से 5, 7, 8 जितने भी काम उठाने हैं वो उठा लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर काम की डिफिकल्टी लेवल और उसका उसका टाइम डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से ये टीम डिसाइड करती है हर दफा कि हमने कितने काम खुद उठाने, और ये उनकी मर्जी होती है कि वो कितने काम उठाना चाहते हैं। जी जनाब, जायद खान साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। सर आई एम सॉरी, नहीं सर, मेरा असल में सिर्फ इसमें वो स्प्रिंट के ऊपर ही मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि एवरी आइटम ऑफ ग्रैंड चार्ट जो है दैट इज वन स्प्रिंट, और वो आपकी टीम ने उठा लिया, स्क्रम टीम ने, और अब उसने उसको प्रायोरिटाइज करके एग्जीक्यूट करना है। ऐसे नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है सर, जब हमने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बनाया तो आपने ग्रैंड ग्रैंड चार्ट बनाया ना कि ये मेजर काम है जो मैंने करने हैं, ये टाइमलाइंस होगी, आप जो उसके ऊपर उन्होंने जो जो उठा लिया आइटम वो स्प्रिंट है सर। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रॉड लेवल पे रिलीज प्लानिंग, मतलब ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है आपका उसका एक, क्योंकि अनसर्टेन है ना, हाईली अनसर्टेन प्रोजेक्ट है, तो आपने इसकी मोटी मोटी एक आउटलाइन बनाई है। ये गैंट चार्ट भी पक्का गैंट चार्ट नहीं होता कि जनाब ये एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, एक मोटा मोटा आपने उसका फ्लो बना लेते हैं, और उसके अंदर आप ये डिसाइड कर देते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये चीज रिलीज होगी, इस पॉइंट पे ये चीज रिलीज होगी, से आप कहते हैं 3 महीने बाद ये पहली रिलीज जाएगी। अब 3 महीने में हमारे 6 iterations गुजर चुके होंगे, ठीक है जी, तो 6 iterations का डिलीवरेबल सारा इकट्ठा होके रिलीज उस टाइम के ऊपर होगा, सही है। लेकिन हर आइट्रेशन पे कस्टमर आएगा देखने, हर आइट्रेशन पे आइट्रेशन के डिलीवरेबल को चेक करने कस्टमर आएगा, उसके अप्रूवल के बगैर वो चीज आगे बढ़ ही नहीं सकती, और जब अप्रूव कर देता है तो वो अप्रूव नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर पेमेंट टाइड है उसके साथ तो वो अगर उसने अप्रूव कर दिया तो उसकी पेमेंट हो गई, आपको वो लाजमी होगी। ग्रेट, सही है, पॉइंट टेकन, वंडरफुल, वेल डन। अवैस साहब, अवैस अरुण साहब बोलिएगा। वैसा और भी काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया, मैं उधर चला जाऊं, फिर आप फिर हाथ खड़ा कीजिएगा। अली अनवर भट्टी साहब, सर। अच्छा सर, काफी देर से हमने रेस किया हुआ था, एंड अच्छा ये एक पॉइंट है आपकी कि प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हु शुड बी ट्रस्टेड। मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट्स तो नीड के बेसिस पे बनते हैं, किसी इंडिविजुअल के बेस पे नहीं बनते। सर हमने एक बात कही थी कि जो जो हमारी टीमें बनेंगी उन टीमों को हम ये फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि वो काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, उनका स्किल है कि नहीं है, मेरा मतलब है ना, तो हम नॉमिनेशंस कर, मेरे ख्याल में इस तरह इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टीम्स आर बिल्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। हाँ जी, आप कहां से पढ़ रहे हैं? ये दूसरे नंबर पे, राइट साइड पे, दूसरे नंबर पे। हाँ, ओके, अच्छा जी, एक मिनट जी, मेरा स्क्रीन है वो, क्योंकि ये कांसेप्ट जो है ना बिल्कुल उलट हो जाता है, प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट। हाँ जी, वो स्लाइड नहीं नजर आ रही ना जी, अभी अभी आ गई होगी, प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट अराउंड, आ गई है, ये लिखा हुआ ना, ये वाला प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। हाँ जी, मेरे ख्याल प्रोजेक्ट तो नीड बेसिस पे होते हैं ना, अलबत्ता ये हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट टीम्स आर बिल्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, अगर टीम डाल दें प्रोजेक्ट के बाद टीम वर्ड, तो फिर ये सही हो जाएगा। वो
कहता है कि जिस तरह का स्किल लेवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है आप उसी तरह का काम करेंगे ना। मेरा मतलब है आप कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग हैं और आप सॉफ्टवेयर डेवलप तो नहीं करेंगे, तो जो मोटिवेटेड टीम्स अवेलेबल हैं आपके पास प्रोजेक्ट्स उनके मुताबिक मैंड होता है। मतलब आप ये नहीं करेंगे कि ये जो बंदे हैं चूंकि ये फलाना काम करने के एक्सपर्ट हैं इनको निकाल दो हमें तो प्रोजेक्ट कोई और मिल गया। आप कोशिश ये करते हैं कि ऐसे वो तो ऑर्गेनाइजेशन से पता चल जाता है ना सर जी, वो देखें ऑर्गेनाइजेशन से पता चल जाता है ना कि ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है और किस किस्म प्रोजेक्ट करेंगे। अगर से कि आप टेलीकम्युनिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी जो वर्क फोर्स है वो मल्टी क्या कहते हैं फंक्शनल और टेलीकॉम के फंक्शन को समझ करने के माहिर होंगे ना सारे लोग, तो हमें वही इंडिविजुअल चाहिए। मतलब मोटिवेटेड इंडिविजुअल से हमारा ये मतलब भी है कि फोर्स्ड बंदे को नॉमिनेशन ना हो, वो खुद काम करने के लिए राजी भी हो और स्किलफुल भी हो। ठीक है जी, तो हम टीम्स बनाने के ऊपर फोकस करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स हम वही उठाएंगे जो हमारी सलाहियत के मुताबिक होंगे। जी जनाब, अनवर अली भट्टी साहब के बाद काशिफ सदीकी। जी सुहेल साहब, जनाब आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल सर। ये जो आपके जो 12 में ये जो हैं प्रिंसिपल्स हैं, इसका पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव स्पॉन्सर के हिसाब से है या वेंडर के हिसाब से है? ये थोड़ा, एक तो ये पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। नंबर दो कि ये जो प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे होते हैं ये स्टीरियोटाइप प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कई सालों से करते हुए आ रहे हैं, जिसमें अंडू की गुंजाइश नहीं है। जैसे सॉफ्टवेयर में अंडू कर दिया तो चीजें वापस आ गई, ये एक कंक्रीट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको अंडू करना जो है ना वो रिस्क और कॉस्ट, यानी कि उसमें जितने भी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस अंडू की तो सॉरी हमने अंडू करने की तो कोई भी बात नहीं की। नहीं नहीं देखें, इसमें चेंजेस जो होती है ना, अगर चेंजेस अगर आपके वेंडर के हिसाब से सही, आपके जो है स्पॉन्सर के हिसाब से सही नहीं है तो फिर हमें अंडू करना पड़ेगा कि कोई चीज गलत हो गई है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में तो हम प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, मगर ऑन द ग्राउंड जो हम अच्छा इसमें एक चीज अब थोड़ा सा ये गाइड करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एजाइल जो है वो हम ना यूज करें और ट्रेडिशनल जो हमारी जो वाटरफॉल अप्रोच है वो ज्यादा सुटेबल रहेगी टेलीकॉम के हवाले से। बहुत सिंपल है, हाईली प्रिडिक्टिव जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसके बारे में आपको जिसे कहते हैं कि अनसर्टेनिटी बहुत लो हो, उनको ट्रेडिशनल से करना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो उनको एजाइल के अलावा कोई तरीका नहीं, उनको आप ट्रेडिशनल तरीके से कर ही नहीं सकते। बाकी ये मुमकिन है कि कोई दरमियानी किस्म के प्रोजेक्ट हो तो उनमें हम कहते हैं कि हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी ट्रेडिशनल थोड़ी सी आप वो एजाइल का मिक्सचर बना के, बल्कि इसके दरमियान में दो तीन चीजें और भी हैं, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है, एक और इस किस्म की है, तो वो दरमियानी तरीके भी मौजूद है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। अच्छा भट्टी साहब का जो सवाल था वो सवाल काफी वैलिड है कि प्रोजेक्ट्स जो हमारे यहाँ बनते हैं वो नीड के ऊपर बनते हैं और हम टीमें देख के नहीं बना दे, क्योंकि टीम जो है ना हमारी उसका काम है सिर्फ सुपरविजन करना, काम हमारे वेंडर्स करते हैं। सर ये एजाइल की खसूसियत बताई मैंने, आप जो काम कर रहे हैं जो जिनकी आप एग्जांपल ले रहे हैं वो हाईली प्रिडिक्टिव वर्क है। ठीक है ना, आपको पहले ही पता है मैंने कौन सा ठेका देना है कैसे देना है, तो मेरा मतलब है कि उस तरह की चीजों में ट्रेडिशनली तो आप वही ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम करेंगे, लेकिन एक लम्हा फिक्रिया जरूर है कि अगर आप ये सोचने की कोशिश करें कि ये जो काम हम कर रहे हैं क्या एजाइल तरीके से करने से कोई फर्क पड़ेगा, बेहतरी होने का इम्कान है, सिर्फ हम ये दरवाजा खोलना चाहते हैं कि हम जो काम करने के आदि हैं उसके अंदर एजिलिटी की कहीं भी कोई गुंजाइश बन सकती है, हमें कोई फायदा हो सकता है तो हम उसे अप्लाई करें। तो सॉफ्टवेयर के अलावा जितने भी एरियाज हैं उनको यही सोचना पड़ेगा, उनके लिए इसको डायरेक्ट कैप्सूल बना के हजम करना नामुमकिन है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करें, अभी आपने बात की चेंज की, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज बन चुकी है और आप उसे तोड़ देंगे, ये तो मैंने कहीं भी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि एक चेंज जो मैं कहता हूं ना कि चेंज कर सकता है कस्टमर, वो उस काम में कर सकता है जो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, सिर्फ उस काम में कर सकता है जो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ।
उसकी रिक्वायरमेंट्स को बदलना चाहता है किसी भी वक्त बदल दे, मुझे कोई इतराज नहीं है। जो काम हो चुका वो तो अप्रूव हो गया, उसको तो चेंज नहीं कर सकता, और जो काम हो रहा है, जो मेरा एक आइटरेशन चल रहा है इस वक्त, एक मेरा स्प्रिंट चल रहा है, उसको भी वो चेंज नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये जो 8-10 काम राइट नाउ ऑन गोइंग है इसको आप नहीं बदल सकते। ठीक है जी, इसका मतलब है कि सिर्फ उन चीजों को बदल सकता है जो अभी शुरू नहीं हुई, ये मेरा पॉइंट है जी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, मैं इसको मुख्तसर करूंगा इस डिस्कशन को, क्योंकि हम अपने मेन जो थ्रस्ट है उससे साइड पे हो गए। मैं अभी सिर्फ क्विकली आपको ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा। ये एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका काम जो है एक एक स्प्रिंट में हो रहा है, इंक्रीमेंट्स में हो रहा है। पहली इंक्रीमेंट की, कुछ निकाला, आउटपुट दिया, हैंड ओवर किया, दूसरी इंक्रीमेंट की, तीसरी इंक्रीमेंट की, और ये एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती जा रही है। और इसमें फर्ज करें कि ये तीन इंक्रीमेंट्स के बाद आपका एक वो एक फर्स्ट रिलीज चली जाती है, तो आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट को 4 या 5 रिलीजेज में बांटा हुआ है। आपका प्रोडक्ट 4-5 रिलीजेज में कस्टमर को जाना है, लेकिन हर इंक्रीमेंट पे कस्टमर आता है और इस इंक्रीमेंट के डिलीवरेबल्स को एक्सेप्ट करता है। फिर उन 4-5 जब इंक्रीमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद वो उसकी रिलीज एक्सेप्ट करता है, और इस तरह 4-5 रिलीजेस एक्सेप्ट करने के बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं अभी थोड़ा सा क्विकली आगे की तरफ जाऊंगा, और मैं आपको हाँ जी ये दिखाना चाह रहा था कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन या कौन कौन सी एजाइल बॉडीज मार्केट में अवेलेबल हैं। हैं तो इसके अलावा भी बहुत सी, लेकिन जो मैं करंट आजकल के माहौल के हिसाब से अगर देखता हूं, तो हमारे पास एजाइल मैनिफेस्टो तो खैर बनाने वाली बॉडी है ही है, एक का नाम है एजाइल अलायंस। एजाइल अलायंस मैं आपको भी दिखाता हूं, उनकी अपनी सर्टिफिकेशन है। PMI जो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो उन्होंने एजाइल की एक सर्टिफिकेशन बनाई हुई है, एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर ACP। फिर PMI ही ने वेरी रिसेंटली डिसिप्लिन एजाइल की एक पूरी कंपनी खरीद ली है जो एडवांस्ड एजाइल मेथोडोलॉजी है, और इसकी अपनी कुछ 6 के करीब सर्टिफिकेशन है। फिर एक वो जो स्केल मैंने जिक्र किया था कल कि स्केल अप करते हैं, और मतलब एक आपकी स्क्रम टीम है, फिर स्क्रम की स्क्रम होता है, फिर स्क्रम के स्क्रम का स्क्रम होता है, तो आप ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूज इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, उसको कहते हैं स्केल्ड एजाइल। और उसका भी एक कंपनी बनी हुई है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन है स्केल एजाइल फ्रेमवर्क, उन्होंने भी एक बनाया हुआ है। फिर scrum.org के नाम से है, scrumalliance.org के नाम से है, scrumstudy.com के नाम से है, scrumscale.com के नाम से है, scruminstitute.org के नाम से है, और इसके अलावा रोजाना मुझे कोई 1-2 नए नाम मिल जाते हैं। मतलब इतनी बॉडीज इसकी निकल आई हैं, और हर कोई सर्टिफिकेशन भी दे रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, जो कुछ भी ये सारे कर रहे हैं, दे आर बाउंड टू फॉलो बेसिकली द एजाइल मैनिफेस्टो। एजाइल मैनिफेस्टो के मुताबिक ही ये सब कुछ हो रहा है। एजाइल अलायंस वाले जो हैं, उनकी खसूसियत यह है कि उन्होंने बकायदा अपना एक जितने भी टूल्स हैं एजाइल के, उनका एक क्या कहते हैं सबवे मैप टाइप चीज बनाई हुई है, कब कौन सी चीज इस्तेमाल की जा सकती है। फिर PMI का ACP की सर्टिफिकेशन है, ये उसकी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इसमें। एजाइल की जो ACP की सर्टिफिकेशन है, ये बुनियादी तौर पे यूं समझ लीजिए कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम अभी हासिल करें, इस किस्म की सर्टिफिकेशन है कि एजाइल में क्या क्या कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है, क्या हिसाब किताब है। बल्कि मैं ये कहूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये ACP से दिखा रहा हूँ, तो ये सिर्फ स्क्रम की बात नहीं करता, ये स्क्रम के अलावा बाकियों की भी बात करता है। तो ACP की सर्टिफिकेशन है, जिसके अंदर वो स्क्रम और बाकी सब सर्टिफिकेशन के बारे में आपको ब्रीफली पता होना चाहिए, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स का और उन तमाम चीजों का पता होना चाहिए। एजाइल के बाद फिर डिसिप्लिन एजाइल आ जाता है। डिसिप्लिन एजाइल बड़ा एडवांस किस्म का टूल है, इसके अंदर वो स्केलिंग वाला फीचर भी है, इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें हैं, और इसकी जो ये कहते हैं कि हम फ्रेमवर्क नहीं है, मतलब ये फ्रेमवर्क से भी ऊपर का लेवल है। और ये इनकी किताब है चूज योर वाओ वे ऑफ वर्किंग, अ डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी हैंडबुक फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर वे ऑफ वर्किंग। ये इनका फ्रेमवर्क है, जिसमें ये 4 लेयर्स में काम करते हैं। सबसे अंदर
डिसिप्लिन डिलीवरी है, उससे ऊपर डेव ऑप्स है, उससे ऊपर एजाइल आईटी है। तो डेव ऑप जो है ये किसी की मिरास नहीं है कि जी वो डेव ऑप वाले जो बनाने वाले हैं वही इसको कर सकते हैं। इसी तरह आप ये देखेंगे इसके अंदर इवन डिसिप्लिन एजाइल के अंदर स्क्रम भी अवेलेबल है, मैं आपको भी दिखाता हूँ उसकी। ये हाँ जी, ये है जी सर्टिफिकेशन जो के डिसिप्लिन एजाइल की है। आप जरा देखिएगा डिसिप्लिन एजाइलिस्ट की सर्टिफिकेशन है, ये आप देखिएगा गौर कीजिएगा डिसिप्लिन एजाइल लीन स्क्रम मास्टर, स्क्रम भी आ गया यहाँ पर, सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइलिस्ट, सर्टिफाइड एजाइल कोच, सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइल प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइल इंस्ट्रक्टर। मेरे हिसाब से ये इस वक्त सबसे हॉट है, या यू कह लीजिए ये फ्यूचर है एजाइल का। तो ये चीज इस वक्त अगर इसके ऊपर अटेंशन दी जाए तो ये की जा सकती है बहुत, लेकिन ये जरा थोड़ा यू समझ लीजिए कि एडवांस लेवल है, आपको ये थोड़ी स्क्रम वगैरह की समझ होनी चाहिए और थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए तब आप ये डिसिप्लिन की तरफ जा सकते हैं। फिर सेफ है जी, ये भी बहुत एडवांस किस्म की फॉर्म है, ये मल्टी लेवल के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर स्क्रम कैसे चलाया जाए या फॉर दैट मैटर एजाइल कैसे इस्तेमाल किया जाए, और मजे की बात है कि एजाइल की कोई भी मेथोडोलॉजी आप सेफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप एजाइल की कोई भी मेथोडोलॉजी डीए डिसिप्लिन एजाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जरा बड़ी किस्म की वो है, इसमें जनाब वही प्रिंसिपल थोड़े अमेंड करके इन्होंने ये उसने बताया हुआ है कि आप तीन चार्ट, ये प्रोग्राम लेवल का है, सॉरी ये प्रोग्राम का है, ये लार्ज सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, और ये पोर्टफोलियो लेवल का। तो उन्होंने वो मॉड्यूलर किस्म का फ्रेमवर्क इसका बनाया हुआ है। इसकी बहुत सी सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफाइड एजाइल सेफ एजाइलिस्ट, सर्टिफाइड सेफ प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड सेफ स्क्रम मास्टर, आप देख रहे हैं स्क्रम यहां पर भी आ गया। तो ये कितनी सारी इसकी सर्टिफिकेशंस हैं सेफ की, और ये बड़ी महंगी सर्टिफिकेशंस हैं। स्क्रम अलायंस जो है ये काफी पॉपुलर है, क्योंकि ये जो शुरू शुरू में स्क्रम की सबसे बड़ी दो बॉडीज आई थी वो एक स्क्रम अलायंस है और एक scrum.org है। तो स्क्रम अलायंस में स्क्रम सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर है, सर्टिफाइड स्क्रम डेवलपर है, सर्टिफाइड स्क्रम प्रोडक्ट ओनर है। मतलब स्क्रम मास्टर हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर, स्क्रम डेवलपर हुआ टीम मेंबर, और प्रोडक्ट ओनर हुआ स्पॉन्सर। फिर जनाब सर्टिफाइड एडवांस स्क्रम सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर है, एडवांस सर्टिफाइड स्क्रम प्रोडक्ट ओनर है, फिर सर्टिफाइड स्क्रम प्रोफेशनल है, फिर स्क्रम प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर है, स्क्रम प्रोफेशनल प्रोडक्ट ओनर है, एक मिनट जी फिर कहीं ओके जी ये जनाब इसकी सारी सर्टिफिकेशन आ गई। फिर scrum.org को अगर आप देखें तो ये भी बहुत पॉपुलर है, मतलब ये असल में जो इसके बेसिक फाउंड फादर्स हैं वो ये लोग हैं, कैन सुदरलैंड और ये लोग, ये कुछ काफी सारे लोग थे जिनमें से ये लीडिंग लोग ये थे। तो इसकी वजह से scrum.org और scrumalliance.org ज्यादा इसलिए चलती है कि वही लोग जिन्होंने मैनिफेस्टो लिखा था वो इसमें शामिल है, तो इस वजह से ये जरा ज्यादा पॉपुलर है। इसको इनकी जो सर्टिफिकेशन है वो है प्रोफेशनल स्क्रम सर्टिफिकेशन है, इनकी सर्टिफिकेशन नाम है प्रोफेशनल स्क्रम फाउंडेशन, प्रोफेशनल स्क्रम डेवलपर, प्रोफेशनल स्क्रम प्रोडक्ट ओनर, प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर, प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर टू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जनाब इसकी सर्टिफिकेशन है। फिर स्क्रम स्टडी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं फॉर द टाइम बींग, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उनकी ये बॉडी ऑफ नॉलेज है और ये उनकी सर्टिफिकेशन है, स्क्रम फाउंडेशन सर्टिफाइड, स्क्रम डेवलपर सर्टिफाइड, स्क्रम मास्टर सर्टिफाइड, स्क्रम एजाइल सर्टिफाइड, ये क्या कहते हैं एजाइल मास्टर सर्टिफाइड,
स्केलिंग भी इसमें अवेलेबल है। इस तरीके के साथ ये स्क्रम वालों की सर्टिफिकेशन हैं, इनकी स्क्रम स्टडी की। उसके बाद जनाब स्क्रम स्केल एक नया आया है, लेटली मैंने इसको देखा है। इन्होंने स्क्रम स्केल की गाइड एक किताब अपनी बनाई हुई है, लाजमी बात है ये भी एजाइल मैनिफेस्टो के मुताबिक होगी, और इसकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो कहलाती हैं सर्टिफाइड स्क्रम स्केल प्रैक्टिशनर या मास्टर या व्हाटएवर। फिर स्क्रम इंस्टीट्यूट है, और वो स्क्रम इंस्टीट्यूट की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो है स्क्रम मास्टर एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन, स्क्रम टीम मेंबर एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन। मतलब सब लोगों ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं, कोई कहीं से भी आप सर्टिफिकेशन कर लें। बस सिर्फ ये है कि वो जो scrum.org है या scrum alliance.org है, ये वो दो जगह हैं जो क्योंकि फाउंडर्स की हैं, वो ओन करते हैं, तो वो चार्ज भी बहुत ज्यादा करते हैं और इस सर्टिफिकेशन की फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। अदरवाइज अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो स्क्रम स्टडी वाला मैटर हम पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मुझे और कोई नजर नहीं आया लोअर लेवल के अंदर। अगर आप हायर लेवल की बात करते हैं, सेफ बहुत जबरदस्त चीज है, और फ्यूचर की अगर आप बात करते हैं तो डिसिप्लिन एजाइल है, मेरे हिसाब से उस पर जाना चाहिए। फिर आप अगर बात करें और क्या क्या तरीके अवेलेबल है मार्केट में, तो उसमें मैं आपको बताता हूं, ये मैं आपको कुछ तरीके भी दिखा देता हूं कि कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं। ये जनाब ACP के लिए एजाइल सर्टिफाइड के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। इसके अंदर मैं सिर्फ आपको जो चीज दिखाना चाहता हूं, मैं सीधा उसकी तरफ चला जाऊंगा। ये है जी, अगर आप ट्रेडिशनली देखें कि ये जो एजाइल की क्या क्या शक्लें हैं, तो स्क्रम तो एक शक्ल है जो कि मैंने कहा कि सबसे फेमस शक्ल है। इसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, खासतौर पर सॉफ्टवेयर के लिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी एक एजाइल अप्रोच है। स्क्रम है, क्रिस्टल है, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड है, फंक्शन ड्रिवन डेवलपमेंट है, लीन डेवलपमेंट है, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट है, स्केल्ड एजाइल जो पहले भी आप और DAD की हम बात कर चुके हैं। तो ये दो के अलावा बाकी ये सब नई चीजें आपके सामने हैं, लेकिन ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनका नाम आपने उस दूसरी लिस्ट में नहीं देखा। इनकी भी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं और इनके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने ये काम करना नहीं है इसलिए मैं इसको आगे नहीं लेके चल रहा जी। यहां तक कुछ क्लियर है? अब हम अपनी मेन कोर्स की तरफ वापस आ सकते हैं। कोई क्वेश्चन तो यहां तक बाकी नहीं रहा? मैंने आपको सारी सर्टिफिकेशन से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, और अगर आप कहेंगे तो मैं एक और काम भी कर सकता हूं, और वो ये कि जो इसके मुख्तलिफ टूल्स हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह, वो भी मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे सकता हूं। जी ताहा, जीता हाँ जी सर, इस तरह से कि इसमें ना मुझे कुछ टर्म्स थोड़ी सी, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज्यादा मेरे लिए एक्चुअली न्यू है, मे बी शायद फेमिलियर हो बाकी। फॉर एग्जांपल कुछ एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है लीन, आई थिंक बार बार ये अक्सर टर्म आ रही है, तो ये लीन इसमें इसका क्या मीनिंग ले रहे हैं लीन का? प्लस ये कोर टर्म है कानबान, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मैं देख रहा था इसमें कानबान सर्टिफिकेशन भी है और भी कुछ है। मैं चाह रहा था सर, एक आपने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो तब आपने ना एक वो प्रोसेस दिखा रहे थे, तो अगर हमें वो प्रोसेस को एक दफा आप गो थ्रू कर दे तो वो हम शायद कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेटर क्लियर हो सकेगा उसके अंदर। मैं स्क्रम में वापस जाऊंगा तो मैं आपको वो चीजें भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इन दो सवालों के जवाब दे दूं। लीन क्या है? एजाइल तो समझ आ गया ना? एजाइल जी फ्लेक्सिबिलिटी है, हाईली फ्लेक्सिबल मेथड
लेकिन इसमें एक नुकसान भी, फायदा ये है कि हम ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। नुकसान इसके अंदर ये है कि कुछ चीजें बीच में से सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे आपका हो सकता है इस काम को करने में कुछ ना कुछ वेस्टेज हो। लीन जो मेथड है वो कहता है उसका फोकस जल्दी नहीं है, उसका फोकस काम को तेज करना नहीं है, उसका फोकस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लीन का मकसद ये है कि वेस्टेज शुड बी जीरो। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो इतने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किया जाए, बल्कि इफेक्टिव तो हो गई, एफिशिएंटली किया जाए कि जरा बराबर भी वेस्टेज ना हो, ना वक्त की, ना माल की, ना रिसोर्सेज की। ठीक है जी, मतलब जैसे क्वालिटी कंट्रोल का इशू आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि क्वालिटी की वजह से चीजें रिजेक्ट हो रही हो और बिला वजह का आपके ऊपर लोड आ रहा हो नुकसान करने का या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का। तो इस इतना स्मूथ काम हो कि उसके अंदर गलती का चांस ही ना हो और वेस्टेज ना हो, इसका क्वालिटी से बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता बनता है लीन का। इसके लिए वो जो मैंने एक बात कही थी कि आप जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें ये कहता है, इसका बेसिक असूल ये है, लिमिट द वर्क इन प्रोग्रेस। एक वक्त में एक खास हद से ज्यादा जो कि आप हैंडल कर सकते हैं उससे ज्यादा काम ही ना उठाएं, क्योंकि जब आप अपने औकात से ज्यादा काम उठा लेंगे तो कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा, आप उसके अंदर ही भागते रहेंगे। इसलिए आप समझें कि आप कितने काम इफेक्टिवली कर सकते हैं और एफिशिएंटली कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपने जो 10 काम आपको स्प्रिंट में मिले थे, आप उनमें से 3 काम जो हैं वो एक वक्त में हैंडल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ही 3 काम शुरू हो गए तो चौथा काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक इन 3 में से कोई एक काम खत्म नहीं हो जाता। जो ही वो एक काम खत्म होता है अगला काम उठा के आप शुरू कर दें। तो मतलब ये है कि इसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी उससे डिफरेंट है जो आपके एजाइल से। एजाइल में वो ये कहता है कि आप बस 10 काम आपने उठाए हैं और उनको रख लिया है आपने बैकलॉग में स्प्रिंट के, और उसमें से जितने जितने काम आप करते जाएं वो करते जाएं और आखिर में डिलीवर करते जाएं। इसके अंदर कैनबैन लीन का एक तरीका है। कैनबैन जब अप्लाई कर देते हैं तो वो कहते हैं कि जो काम कर रहे हो उनके ऊपर भी आप अटेंशन दें कि वो काम आपकी हद से ज्यादा ना हो जाए। उसके ऊपर एक लिमिट लगा देता है कि 2 या 3 कामों की लिमिट है, इससे ज्यादा काम आप यहां कर नहीं सकते। जब तक इनमें से एक काम मुकम्मल ना हो अगला काम नहीं उठाया जा सकता। दिस इज लीन अप्रोच इन एजाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपने देखा होगा कुछ सर्टिफिकेशन में, इसकी सर्टिफिकेशन है लीन स्क्रम भी सर्टिफिकेशन है, लीन स्क्रम मास्टर। ठीक है, जैसे लीन सिक्स सिग्मा भी है, वो क्वालिटी की तरफ है और ये लीन एजाइल है। तो कहने का मकसद है कि ये सारी फिलॉसफी जो है ये जरा जरा सी डिफरेंट है, लेकिन ये सब का जो किबला है वो एक जगह पे जाके मिलता है। मकासद डिफरेंट है, एजाइल का अलग मकसद है, लीन का अलग मकसद है, क्वालिटी का अलग मकसद है, लेकिन इन तीनों को हम मिलाते भी हैं। ये था जी इसका मकसद। ओके जी, मैं वापस आ रहा हूं अपना जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमने काम करना था उसकी तरफ आता हूं। मैं जरा ये फालतू किस्म का लोड खत्म कर लूं। ये हमारी प्रेजेंटेशन थी जो हमने कल छोड़ी थी, और मेरा ख्याल है कि ये जो काम हमने आज किया है इसकी वजह से आपको समझने में कुछ और आसानी पैदा हो जाएगी। मतलब आई सपोज कि दिस मस्ट हैव सर्व्ड टू फैसिलिटेट। ये जनाब अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वाई यूज स्क्रम एग्जैक्टली वेयर वी लेफ्ट, और इसमें हमने ये बताया था कि वाई यूज स्क्रम में हम इसके की बेनिफिट्स, जो ये 15 बेनिफिट लिखे हुए हैं, इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और इसकी वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा था और ये इस वक्त आप देख सकते हैं। हियर यू गो। Hello, and welcome back to Scrum Study Course on a guide to the Scrum body of knowledge. In this module, you will learn how Scrum is helpful to any project.
So let us see some of the key benefits of using Scrum. Adaptability is the very first benefit I want to point out here. The Scrum principles of empirical process control and iterative delivery make projects adaptable and open to incorporating change when it occurs. Scrum processes are designed to embrace change. A key benefit for stakeholders is that Scrum is customer-centric. Emphasis on business value and having a collaborative approach that includes stakeholders ensures a customer-oriented framework in a Scrum-controlled project. Continuous delivery of value is an additional benefit that results from being customer-centric. In Scrum, iterative processes enable the continuous delivery of value through the ship deliverables process. Each sprint produces a potentially shippable product, service, or desired result. Early delivery of high value is a closely related business benefit of using Scrum. Not only is the delivery of value continuous, the create prioritized product backlog process ensures that the highest value requirements of the customer are met first. Both the customer and the project team benefit from continuous feedback. In Scrum, continuous feedback is provided through the conduct daily stand-up and demonstrate and validate sprint processes. Continuous feedback contributes to another key benefit, transparency. In a Scrum-managed project, all information centers, such as the Scrum board and sprint burnout chart, are continually displayed and updated, which leads to an open working environment. Sprint review meetings demonstrate potentially shippable products to stakeholders, keeping them fully informed about the current status and progress of the project. Transparency enhances the important benefit of a high-trust environment. The conduct daily stand-up and retrospect sprint processes promote transparency and collaboration. This leads to a high-trust work environment, ensuring low friction between employees. Scrum's adaptability and transparency create an environment of continuous improvement. As the project progresses, the deliverables are improved progressively, sprint by sprint, with changes and improvements being included and managed through the Groom-prioritized product backlog process. Another important benefit is sustainable pace. Scrum processes are designed such that the people involved can work at a pace that they can sustain indefinitely. Another benefit of using Scrum is an efficient development process. In Scrum, it has been observed that time boxing and minimizing non-essential work leads to higher efficiency levels. The next benefit is motivation. The conduct daily stand-up and retrospect sprint processes lead to greater levels of motivation among employees. Faster problem resolution is one of the important benefits of using Scrum in projects. Collaboration and co-location of cross-functional teams lead to identifying and solving problems more quickly. The next benefit is effective deliverables. The demonstrate and validate process and regular reviews after creating deliverables ensures effective deliverables to the customer. The next benefit is collective ownership. The approve, estimate, and commit user stories process allows team members to take ownership of the project and of their work, leading to better quality in Scrum. High velocity is another important benefit. A collaborative framework enables highly skilled cross-functional teams to achieve their full potential and high velocity. Scrum pioneer and signer of the Agile Manifesto, Jeff Sutherland, calls this state hyper-productivity. And the last benefit that we will discuss is Scrum's innovative environment. The retrospect sprint and retrospect project processes create an environment of introspection, learning, and adaptability, leading to an innovative and creative work environment. And that wraps up this module introducing key benefits of using Scrum in any project. जी सर, आपने देखा ये जो हमने अभी वक्त को मैंने दूसरी जगह से दिखाया थे स्क्रम के प्रिंसिपल्स, 12 प्रिंसिपल, ये जो इसने 15 प्रिंसिपल बनाए हैं स्क्रम के, वो एजाइल के 12 प्रिंसिपल्स के एंड मुताबिक है। इसने उनके अंदर एनहांसमेंट जरूर की है, उसमें से कोई चीज निकाली नहीं है। सो
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कोई मेथोडोलॉजी होगी एजाइल की, वो एजाइल के मैनिफेस्टो और एजाइल के प्रिंसिपल्स के एन मुताबिक ही हो सकती है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकती। बाकी वो तरीका तरीका कार जो बनाता है अमल करने का, वो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो है वो वही रहेंगे। अगर इस चीज को हम जेहन में रखें तो आप ये समझिए कि अगर आप ये मतलब इफ यू कंसिडर कि ये जितनी भी मेथोडोलॉजीज मार्केट में है आपके टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर फिट नहीं बैठती, तो आप यकीन कीजिए कि आप खाली एजाइल मैनिफेस्टो को सामने रख के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी मेथोडोलॉजी खुद भी डेवलप कर सकते हैं। यू कैन टेक गाइडलाइन फ्रॉम स्क्रम, फ्रॉम क्रिस्टल, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दैट, आप इन सब चीजों को मद्देनजर रख सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं, लेकिन लाजमी बात है कि उसके लिए इतना इलम चाहिए, आदमी उनको किस तरह से अप्लाई करे, लाजमी पहले तो ये समझें कि ये क्या कह रहे हैं। तो इस हवाले से इन सारे तरीकों में सबसे सिंपल और सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्क्रम है। स्क्रम को समझ लें, अप्लाई कर सकते हैं तो करने की कोशिश करें, नहीं आप समझते कि ये स्क्रम आपके पास अप्लाई होगा तो अपनी मेथोडोलॉजी खुद डिवाइस कर लीजिए। मगर ये बात जहन में रखिए कि उन उस मैनिफेस्टो की वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के मुताबिक काम करने का बेशक बे इंतहा फायदा है। अब मैं इसके उन 15 प्रिंसिपल्स की तरफ आता हूं जो इसने अभी आपको बताए, और मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे वो आपके उन प्रिंसिपल्स के साथ मिलते हैं। अडॉप्टेबिलिटी, वो कहता है एम्पेरिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड आइटरेटिव डिलीवरी। एक तो आप जो काम कर रहे हैं वो साथ साथ उसकी प्रोसेस कंट्रोल हो रही है आइट्रेशन बाय आइट्रेशन, और हर आइट्रेशन में कोई डिलीवरी भी निकल रही है। तो अब आप इतना सा पोर्शन कर रहे हैं और उसके अंदर आप अपने मकासद को अचीव कर रहे हैं, और साथ साथ अगला आने वाला जो काम है, अगली आने वाली जो आइट्रेशन है वो डिवाइस हो रही है, आई मीन टू से वो क्या होगी मुझे अभी नहीं पता। तो एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है, एडाप्टेशन है कि ये आइट्रेशन के बाद अगली आइट्रेशन पता नहीं उसमें क्या क्या कुछ शामिल होगा, ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। एंड इट इज ओपन टू चेंज, कस्टमर किसी भी वक्त इस करंट आइट्रेशन के अलावा आइंदा आने वाले काम में कहीं भी कोई तब्दीली कर सकते हैं। तो हाई अडॉप्टेबिलिटी मतलब चेंज के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर को तो लाजमी बात है कि हम कस्टमर के आगे बिल्कुल क्या कहते हैं सर्वेंट बन के आ गए हैं। कस्टमर ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है, कस्टमर को खुश रखने के लिए है, तब्दीलियां भी वो कर सकता है और आगे भी हम उसकी बातें सुनने को तैयार हैं और उसको हम वैल्यू भी दे रहे हैं। ये अगला पॉइंट, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यू, हर आइट्रेशन के साथ हम उसे वैल्यू दे रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू शुरू शुरू के जो आइट्रेशन हैं उनमें दी जाए, पहला आइट्रेशन सबसे ज्यादा वैल्यू जनरेट करे ताकि उसे कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बिल्ड हो कि यार ये लोग तो काम करने वाले हैं, फिर उससे काम, फिर उससे काम, फिर उसके काम। मेरा मतलब है फर्ज कर लेते हैं, एक ऐसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर 80% वैल्यू आपने पहली आइट्रेशन में डिलीवर कर ली तो कस्टमर तो खुशी से पागल हो जाएगा, वो कहेगा आप तो इतना टाइम बचा है और 20% काम है, कोई मसला ही नहीं है। तो इस तरीके के साथ आप हायर वैल्यू जल्दी पे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। उससे एक और भी बड़ा फायदा होता है कि जो चीज डिलीवर हो गई वो चेंज नहीं हो सकती फिर, ठीक है ना जी, वो तो हो गई तो वो डिलीवर हो गई, एक्सेप्ट हो गई तो वो तो चेंज नहीं हो सकती, तो आपकी भी जान छूट जाएगी उस हैवी ड्यूटी वर्क के साथ जो हाई वैल्यू का है और उसमें कोई चेंज होने का इम्कान। तो इस तरीके के साथ ये कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यू आ जाती है, और फिर कॉन्टिन्यूस भी है और अर्ली भी है। कॉन्टिन्यूस तो वही है कि हर हाइड्रेशन में कुछ ना कुछ डिलीवर हो रहा है, लेकिन अर्ली डिलीवरी ऑफ वैल्यू है कि ज्यादा हाई वैल्यू आइटम आपने शुरू में रख दिए हैं। फिर आप कॉन्टिन्यूस फीडबैक भी ले रहे हैं, मतलब यू आर कॉन्टिन्यूसली इन टच विद कस्टमर, और जहां तक इस बात का ताल्लुक है ट्रांसपेरेंसी का, तो वो तो हर वक्त आपको देख सकता है, हाइड्रेशन के दौरान भी आपको देख सकता है, लेकिन उसकी फीडबैक जो हमें मिलती है वो हर हाइड्रेशन के बाद मिलती है, जहां वो अप्रूवल या रिजेक्शन देता है या व्हाटएवर। तो कॉन्टिन्यूसली फीडबैक भी हमें मिलती जा रही है और साथ हम ट्रांसपेरेंट भी हैं। ट्रांसपेरेंट रखने के लिए चीजों को हम जो वो मैंने कहा कमरे में बोर्ड्स लगाते हैं, चार्ट्स लगाते हैं, उन चार्ट्स के ऊपर करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उनमें बहुत से चार्ट्स हैं, उन चार्ट्स में से एक का नाम स्क्रम बोर्ड है जिसके ऊपर आपकी प्रोग्रेस चल रही होती है, बर्न डाउन चार्ट है
जिसके ऊपर आप ये देख रहे होते हैं कि कितना काम रह गया, कितना हो गया। तो इस तरह के बहुत से चार्ट्स हैं जो कि उस वक्त चल रहे होते हैं, और उनको देख के आपको एक मिनट में अंदाजा हो जाता है प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है और क्या हो रहा है। देखने वाले को, भले वो ट्रांसपेरेंटली देख रहा है, भले वो इंटरफियर नहीं भी कर रहा, तो उसको देख के अंदाजा होगा कि यार ये कैसा काम कर रहे हैं, टीम कैसा काम कर रही है। आप अंदाजा कीजिए कि टीम की प्रोग्रेस साथ साथ जाहिर होती है, तो सबसे पहले तो टीम को अंदाजा होता है हम क्या करतूत कर रहे हैं। अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहे, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो आप यकीन कीजिए कि वो टीम खुद ही अपना रास्ता तब्दील करेगी और ठीक करेगी अपने आप को, इससे बेहतर कि उसे टीम को कोई फायर करे। मतलब टीम सेल्फ इवॉल्विंग है, खुद जोशीली टीम है, खुद काम करना चाहती है, और वो कभी भी वो इस पे ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपको उस टीम को फायर करना पड़ेगा। बहुत ही ना अहल किस्म के लोग हों और फिर कहीं जाके ऐसी शायद सूरत हाल पैदा हो। कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव भी हो रहा है, डिलीवरेबल्स आर इंप्रूव्ड प्रोग्रेसिवली स्प्रिंट बाय स्प्रिंट, ठीक है जी। और मीनवाइल आपका जो बैकलॉग बन रहा है उसमें वो कॉन्टिन्यूसली नई रिक्वायरमेंट जो आ रही है वो भी उसके अंदर जमा होती जा रही है और ग्रूम होती जा रही है, प्रायोरिटाइज होती जा रही है, और आइंदा आने वाले आइट्रेशन उससे चीजें उठाते हैं, तो वो उसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी वाकया हो रही है। फिर सस्टेनेबल पेस है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम मुसलसल कुछ दे रहे हैं। एफिशिएंट डेवलपमेंट प्रोसेस है कि टाइम बॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि हमने दो हफ्ते अगर फिक्स किया है टाइम अपनी आइट्रेशन का, ये जरूरी नहीं है कि दो ही हफ्ते हो, चार भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, तो जो भी कंपनी ने फिक्स किया है कि टाइम बॉक्स हमारा इतना होगा, तो इससे ये मतलब नहीं है कितना काम इसके अंदर होगा, ये सिर्फ टाइम महदूद है, दो हफ्ते में जितना काम कर सकते हो कर लो, ठीक है जी। तो ये नहीं है कि जी दस काम करने हैं तो अच्छा चलो एक दस दिन दो दिन इसमें ऐड कर देते हैं दो हफ्ते में, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम बॉक्स के ऊपर ये एट्रेशन ने खत्म होना है, कोई काम मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ है, ये आइट्रेशन खत्म हो जाएगी। जो नहीं खत्म हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो वापस रख दिया जाएगा, वो काम पूरे का पूरा जाके बैकलॉग के ऊपर, अगला आने वाला जो स्प्रिंट है वो उसको टेक ऑन करेगा। तो इससे आपकी जो है एफिशिएंट प्रोग्रेस होती है और आप नॉन एसेंशियल से बच जाते हैं। मोटिवेशन, आप जो रोजाना मीटिंग कर रहे हैं, स्टैंड अप मीटिंग कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्ट की स्प्रिंट्स की मीटिंग हो रही है, आपकी टीम के अंदर जो जज्बा और वलवला है वो उभर उभर के सामने आता है कि यार कल हमने ये कमिट किया था, आज हमने ये कमिट किया है, आज ये तो करना ही करना है, तो कोई बाहर से मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि एजाइल या स्क्रम एक बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म है जिसमें हमें वो बहुत सी लीडरशिप की जो चीजें हम अलग से प्रैक्टिस करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक मोटिवेशन है, ऑटोमेटिक लीडरशिप है, सब कुछ इसके अंदर बिल्ट इन है। फिर फास्टर प्रॉब्लम रेजोल्यूशन है, क्योंकि टीम हर वक्त इकट्ठी है, कोलोकेट जो हुई है, कोशिश तो हमारी ये ना कोलोकेट हो, अगर कोलोकेट ना भी हो, अगर से कि अक्रॉस द कंट्रीज फैली हुई है टीम, तो फिर वो आजकल आप जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिस और इसके थ्रू वो लोग तकरीबन एक जगह पे नजर आते हैं। और अगर वो भी आप छोड़ दें तो फिर अब इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि स्क्रम बोर्ड वगैरह वो आपके मोबाइल ऐप के ऊपर नजर आ रहा होता है कि जी ये स्क्रम बोर्ड में फलाने ने ये काम करके यहाँ लगा दिया है, तो ये अब मेरी बारी आ गई है, तो आपको वैसे पता चलता रहता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरी कौन सा काम अभी मैंने करना है। तो फास्टर प्रॉब्लम रेजोल्यूशन है, कोलेबोरेशन हो रही है, कोलोकेशन हो रही है, तो क्रॉस फंक्शनल टीम जो है लीड टू फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफेक्टिव डिलीवरेबल्स है, प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग process and regular review after creating deliverable ensure effective deliverables to the customer. जब आप आखिर में review कर रहे हैं और customer उसे accept कर रहा है, तो आप फिर उसी चीज के बारे में होशियार हो जाएंगे, यार ये गलतियां नहीं करनी, अगली दफा lessons learned up करते हैं, retrospect करते हैं और अगली दफा में वो चीजें improve करते हैं। तो इस तरह आप मुसलसल improve भी कर रहे हैं और आपका deliverable खूब से खूब तर होता जा रहा है। फिर एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, अप्रूव एस्टीमेट कमिट यूजर स्टोरीज, ये सब काम के अंदर टीम जिम्मेदार है, एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। हाई वेलोसिटी का मतलब है कि जब आपकी टीम जितनी ज्यादा प्रोफिशिएंट होती जाती है तो उसकी टीम वेलोसिटी हाई होती जाती है। टीम वेलोसिटी का मतलब है कि ये टीम कितना काम कर सकती है,
हो सकता है कि शुरू में जब ये लोग पहले पहले स्प्रिंट में आए हों तो ये 10 काम कर सकते थे, लेकिन अब ये इतने एफिशिएंट होते जा रहे हैं, साथ 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 आप इम्प्रूव करते जाते हैं अपनी स्पीड को, और आपकी टीम कैपेबल हो जाती है से 15 काम करने की। कामों में ना भी गिने, हर काम की कोई डिफिकल्टी लेवल या एफर्ट की वैल्यू होती है। फर्ज करें आप ये समझते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पे जो करंट हालत है टीम की उससे 50 यूनिट की एफर्ट उठा सकते हैं, कोई 10 यूनिट का काम उठा लिया, कोई 2 का उठा लिया, कोई 10 का उठा लिया, कोई 20 का उठा लिया, तो इस तरह आपने 50 यूनिट तक के काम उठा लिए पहले स्प्रिंट के लिए। अगले स्प्रिंट पे आपकी एनहांसमेंट होगी, हो सकता है अब 50 से आपकी वेलोसिटी बढ़ के 55 पे चली जाए। एक और बात यहां बताता जाऊं कि अगर आपने जो 10 काम उठाए उनमें 9 हो सके हैं टाइम बॉक्स के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर, एक नहीं हो सका, शुरू भी नहीं हो सका, या आधा करके छोड़ दिया, या पूरा नहीं हो सका, तो जैसे मैंने बताया था वो काम वापस चला जाएगा, आपका कोई कसूर नहीं, आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये क्यों वापस गया काम। ये टीम प्रोग्रेस देती रही है साथ साथ और उनको पता है कि ये क्यों नहीं हो पाया। दूसरी बात, और सबको पता है, मतलब दिस इंफॉर्मेशन इज नोन टू ऑल, कि ये काम जो है ये स्पीड, ये टीम की वेलोसिटी ही इतनी है कि इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती, हो सकता है इन्होंने अपनी अपनी ताकत से ज्यादा का काम उठा लिया था, तो ये इनका कसूर नहीं है। सेकेंडली, अगर फर्ज करें 2 हफ्ते का काम था, 2 हफ्ते के लिए आपने 10 काम उठाए थे और आपने एक ही हफ्ते में 10 काम मुकम्मल कर लिए, तो यहां पे टीम रेस्ट नहीं करेगी एक हफ्ता, जो ही ये 10 काम मुकम्मल होंगे तो टीम की तो रोज के रोज प्रोग्रेस जा रही है, रोज स्प्रिंट मीटिंग होती है, सबको पता है कि 10 काम तो हो चुके हैं एक हफ्ते में, तो दे विल गो बैक टू द प्रोजेक्ट बैकलॉग और वहां से वो 10 काम या 8 काम और उठा के ले आएंगे, और इस तरह से एक स्प्रिंट में वो उससे ज्यादा काम कर सकते हैं। इससे ये भी जाहिर होगा कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, उसने कम वेलोसिटी के हिसाब से काम उठाए थे और अब उसको पता चल गया कि मेरी वेलोसिटी इतनी है। शुरू में जब टीम गैदर होती है, क्योंकि मल्टी फंक्शनल टीम्स होती हैं, क्रॉस फंक्शनल होती हैं, तो उनको कई दफा इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो कलेक्टिवली कितनी कैपेसिटी रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कैपेसिटी क्लियर होती जाती है और आपकी टीम मुसलसल अपनी वेलोसिटी को एनहांस और इम्प्रूव करती जाती है। और आखिरी पॉइंट है इनोवेटिव एनवायरनमेंट, लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी लीड्स टू एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आप खूब नए नए आइडियाज लेके आ सकते हैं और सोच सकते हैं। बल्कि मैं एक चीज यहां बता दूं कि ऑल्दो आप को लोकेट होते हैं और एक ही हॉल में सारे बैठे काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कभी आपको कोई सोचने का काम करना है तो इसी हॉल के साथ 1-2 कमरे सेपरेट बनाए जाते हैं जहां पे आप सोचने का काम जाके अकेले बैठ के वहां कर सकते हैं, चाहे तो वहां जाके सो जाएं, चाहे तो वहां सोचें, मतलब आपको शोर नहीं चाहिए तो आप थोड़ी देर के लिए उस कमरे में जाके अपनी सोच विचार कर सकते हैं, या से कि कोई 2 बंदे जाके मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं, वो कर ले। आपको ऐसी इन्वायरमेंट अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में नजर आएगी भी जिसके अंदर उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया होता है, और उसकी वजह ये है। तो ये है जनाब अली आपके 15 पॉइंट। यहां पे मैं ब्रेक लेना चाहूंगा, 10 मिनट की ब्रेक, हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमने लगा दिया, 10 मिनट हम डिले हो गए अपनी ब्रेक से, तो हम अभी 35 हुए हैं तो 45 पे दोबारा मिलेंगे, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू सर एंड टेक केयर, आफ्टर 10 मिनट्स वी विल गेट बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम बैक आफ्टर द ब्रेक, आर यू देयर जी? फरीन साहब हैं जी और मुमताज जी, प्लीज रेज हैंड जो लोग हैं इधर मौजूद। ओके, 4 लोग हो गए, 5, 6। अली अनवर भट्टी साहब, अली हैदर साहब कहाँ हैं आप लोग? अरसलान, अरशद, असमार, काशिफ सदीक, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद इब्रार, काफी सारे लोग प्रेजेंट नहीं है। ओके, आ गए जी, चलें जी, जबरदस्त। सो वी स्टार्ट अगेन, हम 5वें मॉड्यूल पे हैं और ये जो हमने बात की थी स्केलेबिलिटी की, कि स्क्रम तो एक
एक 6 से 8 लोगों की टीम है, मगर अगर एक से ज्यादा टीमें हों तो याद रहे कि एक हर टीम का अपना स्क्रम मास्टर होगा। तो अगर 10 टीमें काम कर रही हैं साइमल्टेनियसली, एक ही प्रोजेक्ट के अंडर 10 टीमें काम कर रही हैं, तो उनके अलग अलग स्क्रम मास्टर होंगे। मगर इन 10 स्क्रम मास्टर्स का इंचार्ज जो होगा वो स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर कहलाता है। मतलब 10 स्क्रमों के ऊपर स्क्रम ऑफ स्क्रम्स होगा और उनके ऊपर वो जो मैनेज करेगा वो स्क्रम ऑफ स्क्रम्स मास्टर होगा। इसी तरह उनको भी हम स्क्रम ऑफ स्क्रम्स को भी इकट्ठा करके 8, 10, 4, 5 को हम एक और लेवल बना सकते हैं, स्क्रम ऑफ स्क्रम ऑफ स्क्रम्स। जी अनवर साहब, सर ये जो ट्रेडिशनल टीम्स होती हैं उसमें एक टीम लीड होता है, क्या हम उसको स्क्रम नहीं कह सकते उस टीम का? सर देखें, ट्रेडिशनल जो नाम है वो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, लेकिन ये है कि आपको जरा देखना होगा अपने काम के हिसाब से। क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे जो हमारा वर्किंग एलिमेंट है ना वो आपकी टीम है, और टीम को लोएस्ट लेवल से हम एम्पावर कर रहे हैं। तो आप जैसे मर्जी स्ट्रक्चर करें, मगर ये है कि हर छोटे छोटे कामों को आप एक टाइम बॉक्स कर दें स्प्रिंट्स की सूरत में, और फिर आप ये डिसाइड करें कि ये आपकी टीमें हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, ये स्क्रम टीम्स हैं आपकी। स्क्रम टीम का एक जो जिसे आप सुपरवाइजर कह रहे हैं वो स्क्रम मास्टर हो गया, उस स्क्रम टीम का स्क्रम मास्टर है। फिर जो से के ये स्क्रम, ये सारे सुपरवाइजर जिसको रिपोर्ट करते हैं वो स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर है। इस तरीके के साथ ये ऊपर को चलेगा। Got it जी? Thank you. और कोई इसके बारे में कुछ हुआ हो तो एक नजर देख लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एक मैं और भी बात बता चलूं कि ये जो हम इंट्रोडक्शन टू स्क्रम वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है SFC स्क्रम फंडामेंटल सर्टिफाइड। आप अगर ये वाला जो पोर्शन हम जब तक ये इंट्रोडक्शन के मॉड्यूल्स कर रहे हैं, इन मॉड्यूल्स को अगर पढ़ लेते हैं तो आप फ्री एग्जाम दे सकते हैं स्क्रम फंडामेंटल सर्टिफाइड का, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसका आप अगर पास कर लेंगे उनकी साइट से तो आपको बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट वो भेज देते हैं। अगर आपने पेपर सर्टिफिकेट लेना होता है तो उसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन फ्री आ जाता है और वो आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं। लेकिन जो हम जब पूरा कोर्स मुकम्मल करेंगे तो फिर आप स्क्रम मास्टर सर्टिफाइड का एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी फीस काफी है, उसकी फीस है $450 कैसे कुछ है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन कम से कम ये तो फ्री है, और ये तो आप जो ही ये पहला वाला सेक्शन खत्म करते हैं, ये इंट्रोडक्शन टू स्क्रम वाला, ये 6, 7, 8 मॉड्यूल है, ये खत्म करते हैं, आप एग्जाम उसी दिन दे सकते हैं। तो मैं आपको उसका अलाउ कर दूंगा, आप लोग एग्जाम जो देना चाहेंगे वो दे सकते हैं और अपने आप को SFC बना सकते हैं। राइट जी, मैं आगे चलता हूं। तो इसमें जनाब जो ये स्केलेबिलिटी में हम बात करेंगे, हाउ फास्ट एंड स्केलेबल, आइडियल स्क्रम टीम का साइज क्या होना चाहिए, मिसकंसेप्शन क्या है, मल्टीपल स्क्रम टीम्स कैसे काम करती हैं, स्क्रम ऑफ स्क्रम्स को कैसे कन्वीन किया जाता है, और इसकी स्क्रम ऑफ स्क्रम SOS कह दिया उसने, SOS की मीटिंग कैसे होती है, जैसे स्क्रम की मीटिंग होती है, स्टैंड अप मीटिंग होती है, तो SOS की मीटिंग कैसे होती है, तो ये जो चैप्टर है इस बारे में। तो ये जरा पहले थोड़ी सी इसके इंट्रोडक्शन सुन लें और फिर मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्क्रम study course on the Scrum body of knowledge. In the previous module, we discussed the benefits of using Scrum, and now we will discuss the scalability of Scrum as a framework. So, how fast and scalable is Scrum when it comes to project size? To be effective, Scrum teams should ideally have 6 to 10 members. This practice may be the reason for the misconception that the Scrum framework can only be used for small projects. That is not so. Scrum can easily be scaled for effective use in large projects.
In situations where the Scrum team size exceeds 10 members, multiple Scrum teams can be formed to work on the project. Between 2007 and 2009, Yahoo had 200 Scrum teams worldwide, many working on the same projects. This definitely raises the question as to who facilitates the coordination among multiple Scrum teams, and the answer is the convened Scrum of Scrums process. It not only facilitates coordination among the Scrum teams, but also enables effective implementation in larger projects. Additionally, larger complex projects are often implemented as part of a program or portfolio. The Scrum framework can be applied to manage even programs and portfolios. The logical approach of the guidelines and principles in this framework can be used to manage projects of any size, spanning geographies and organizations. Such large projects may have multiple Scrum teams working in parallel, making it necessary to synchronize and facilitate the flow of information and communication. This is accomplished in the Scrum of Scrums. We have heard the term Scrum of Scrums several times now. What is it? The convened Scrum of Scrums is the process ensuring this synchronization needed on large projects. The various Scrum teams are represented in this meeting, and the objectives are to provide updates about progress, discuss challenges faced during the project, and coordinate activities. There are no set rules regarding the frequency of these meetings. The factors determining the frequency are the amount of inter-team dependency, size of the project, Scrum guidance body recommendations, and the level of complexity. With this, we come to the end of this module. Thank you for learning with us. Right, you have heard. स्केलेबिलिटी ऑफ स्क्रम क्या है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। सिर्फ ये है, उसने कहा कि मॉड्यूलर अप्रोच है, स्क्रम का ट्रेडिशनल साइज छोटा होता है, ठीक है जी। तो जो एक स्प्रिंट होगा वो 6 से 10 लोगों का आइडियली, अगर आप चाहें ज्यादा का बना ले, लेकिन फिर मैनेजेबल नहीं होगा वो टीम, बहुत जबरदस्त मैनेजेबल नहीं होगी। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि जो स्क्रम मास्टर होता है वो दरअसल प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता, या यूं कह लीजिए कि उसके पास ताकत कोई नहीं होती। दरअसल आप यूं समझिए कि स्क्रम मास्टर इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द टीम एंड ही इज टेम्परेरीली असाइंड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टीम। यूं समझ लीजिए कि अगर से के 11 लोग थे टीम में, तो आपने 11 में से एक बंदे को एट रेंडम आपने कहा भी तुम जरा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देखो और हम सब काम करेंगे। अब अगर वो बंदा जो स्क्रम मास्टर है अगर फारिग हो, वो भी टीम के साथ काम करेगा, लेकिन अगर वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग हो, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो एक तो कोऑर्डिनेट करे प्रोडक्ट ओनर के साथ कि टीम के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं करना, दूसरा टीम को की स्टैंड अप मीटिंग्स करवाए और जो उस दिन के लिए उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है उनको रिमूव करे, उसके अलावा टीम को वक्तन फवक्तन देखता रहे कि उनको कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, कोई इमीडिएटली कोई चीज हल करने वाली है तो वो करे, और अगर इन सब कामों से फारिग हो तो टीम के साथ बैठ के काम भी करे। अच्छा, मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा कि वो क्या करते हैं कि उन्होंने स्क्रम मास्टर का रोल लेदा रखा ही नहीं हुआ, वो क्या करते हैं रोज सुबह उठते हैं और कहते हैं अच्छा आज इस स्क्रम टीम जो ये 11 बंदे हैं, 10 या 11 बंदे, इनमें से फलाने तुम हो गए आज के स्क्रम मास्टर। रोजाना स्क्रम मास्टर तब्दील करते हैं, और ये अप्रोच मुझे बहुत पसंद आई कि कोई सीनियर जूनियर नहीं है, एनी बॉडी कैन बी द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दैट डे। और दूसरी बात ये भी कि स्क्रम मास्टर कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है, स्क्रम मास्टर टीम का बराबरी का मेंबर है, वो किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, और उसका काम टीम की एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखना, टीम को जो जो चीजें चाहिए वो उनको वहां अवेलेबल होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि स्क्रम मास्टर का रोल इस बात से काफी क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है और जैसे आप लोगों ने कहा कि जी ये
आठ दस बंदों से होने वाला काम नहीं है पूरा प्रोजेक्ट, तो भाई कोई मसला नहीं है, आप एक वक्त में एक से ज्यादा स्क्रम टीम लगा दें, एक डायमेंशन प्रोजेक्ट की ये लोग कर रहे हैं, एक कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, और छह के दस टीमें लगी हुई हैं, सबके अपने अपने स्क्रम मास्टर हैं, वो अपनी अपनी टीम के काम को देख रहे हैं, उनको आपने वही एक कॉमन प्रोडक्ट बैकलॉग से दस काम इसने उठा लिए, बारह उसने उठा लिए, दस उसने उठा लिए, इस तरह से वो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन ख्याल सिर्फ ये रखना है कि ऐसा ना हो कि किसी ने वो काम उठा लिया हो जिसके लिए पहली वाली टीम का आउटपुट रिक्वायर्ड हो, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ वो काम उठाए जा सकते हैं जो कि किए जा सकते हो इंडिपेंडेंटली। और फिर और बेहतरीन इसका तरीका ये होगा कि आप बाकायदा उस प्रोडक्ट बैकलॉग के स्ट्रीम्स बना दें, कि ये जनाब जैसे आप कहते हैं ना कि प्रोडक्ट ब्रेकडाउन कर दें कि प्रोडक्ट का फलाना वाला पोर्शन का स्ट्रीम ये है, दूसरा स्ट्रीम ये है, तीसरा ये, तो आप उसी प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर अलग अलग सेक्शंस बना दें और वो सेपरेट सेपरेट बैकलॉग हर टीम को दे दें, तुमने इस बैकलॉग पे चलना है, तुमने इस पे चलना है, तुमने इस पे चलना है। खैर एनीवेज वो तो एक इंट्रिकेसी है, मगर कहने का मतलब है कि स्केलेबिलिटी ऑफ स्क्रम हो सकती है, स्केल एक से ज्यादा टीमें इंप्लॉय की जा सकती हैं, और ना सिर्फ एक लेवल के ऊपर आप स्क्रम ऑफ स्क्रम एसओएस बना सकते हैं बल्कि इवन उससे ऊपर भी बना सकते हैं। जहां तक स्क्रम मास्टर का ताल्लुक है, एक स्क्रम टीम का ताल्लुक है, एक स्प्रिंट का ताल्लुक है, तो एक स्क्रम मास्टर जो है वो अपनी आठ दस लोगों की टीम को संभालता है, राइट, और वो रोजाना उनके साथ स्टैंड अप मीटिंग करता है। लेकिन ये जो स्क्रम मास्टर सारे हैं, दस स्क्रम मास्टर, ये अपने जो बड़ा वाला इनका इंचार्ज है, जो स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर है, उसको ये क्या रोजाना जाके मिलेंगे? नहीं, इनकी जरूरत नहीं है रोजाना जाके मिलने की। इनके लिए आप फिक्स कर सकते हैं कि हफ्ते के हफ्ते या फोर्टनाइटली या महीने के महीने, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, वो अपने स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर को उस वक्फे के बाद मिलते हैं, और वहां पे सारे स्क्रम मास्टर इकट्ठे होते हैं, और तकरीबन वही चार सवाल जो स्क्रम मास्टर अपनी स्टैंड अप मीटिंग में पूछता है, उसी किस्म के चार सवाल यहां पर स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर उनसे पूछता है। उसमें एक चीज एडिशन ये हो जाती है कि तुम्हें दूसरे किसी स्क्रम मास्टर से या किसी और टीम से किसी काम की जरूरत है, किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो वो कोऑर्डिनेट करने के लिए ऐसे काम जो इंटर क्या कहते हैं स्क्रम करने वाले हैं, उनकी मैनेजमेंट फिर स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर संभालता है। जो स्क्रम टीम के अपने काम है वो स्क्रम टीम स्क्रम मास्टर संभालता है, लेकिन जो अक्रॉस द स्क्रम काम होने हैं उसके लिए फिर स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर, उसका सर्वेंट लीडर वो है। तो ये आपकी टीम छह से दस आदमी की, इनको आपने जब आपने इसको करना है बड़ा, तो आप इसके ऊपर एक स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर बनाए। ये देखें हर स्क्रम टीम के साथ ये लाइट ग्रे कलर में उसका स्क्रम मास्टर खड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर हमें एक स्क्रम मास्टर और खड़ा करना पड़ेगा स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर एसओएस मास्टर, और उसको ये जो ग्रे वाले सारे स्क्रम हैं स्क्रम मास्टर हैं ये उसको रिपोर्ट करेंगे कोई भी वक्फा हफ्ते या महीने बाद। तो ये जब रिपोर्ट करेंगे तो इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि स्क्रम मास्टर जब जाए तो हो सकता है कि वो अपने सपोर्ट के लिए एक आध टीम मेंबर भी साथ ले जाए, तो उसको इजाजत है कि वो अपनी सपोर्ट में अगर किसी को साथ ले जाना चाहता है तो बेशक ले जाए। फिर कैसे कन्वीन होती है जी? इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमोंग द स्क्रम टीम्स। जो एसओएस है स्क्रम ऑफ स्क्रम जब मीटिंग होती है, जब कभी भी होती है, तो ये आपस की कोऑर्डिनेशन, टीमों की आपस की कोऑर्डिनेशन के लिए है। ये इनेबल करती है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इन अ लार्जर प्रोजेक्ट। लाजमी बात है बिग पिक्चर फिर स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर के पास आ जाती है। टू मैनेज इवन प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियो, और इसी ऊपर की तरफ इसे बढ़ाते जाए तो ये फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियोज तक को मैनेज करने का यही तरीका हो सकता है कि ये इसी तरह स्क्रम ऑफ स्क्रम ऊपर 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 आप लेवल बढ़ाते चले जाए। मैनेज प्रोजेक्ट ऑफ एनी साइज, कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कितने मुल्कों में ना फैला हुआ हो, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, उसमें स्क्रम काम करेगा। स्क्रम कोई एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, स्क्रम का मेथड हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रम ऑफ स्क्रम जो है मीटिंग जो होती है इसकी, इट इज द प्रोसेस इंश्योरिंग दिस सिंक्रोनाइजेशन। ये सारी स्क्रम
मास्टर जो कटे हुए इनको आपस में आपने सिंक्रोनाइज करना है कि भाई इसको उससे फलानी चीज चाहिए या क्या रिसोर्सेज दे उधर से कहीं रिक्वायर्ड है, तो उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है. नो सेट रूल्स रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग नेचुरली, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि हफ्ते के हफ्ते मिलना है, महीने में महीने मिलना है. इसके अंदर आप ये डिफाइन करते हैं फैक्टर्स डिफाइनिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टीमें आपस में एक दूसरे पे, स्क्रम टीमें आपस में एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है, क्या उनको एक दूसरे से चीजों की जरूरत हफ्ते के हफ्ते पड़ती है, महीने के महीने पड़ती है, जो भी फ्रीक्वेंसी उनकी डिपेंडेंसी की होगी उसी हिसाब से आप अपनी मीटिंग भी रख सकते हैं. प्रोजेक्ट के साइज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ये मीटिंग कितने अरसे बाद हो. फिर स्क्रम की जो गाइडेंस बॉडी है जो आपके ऊपर बैठी हुई है, जो जिसे आप गवर्नेंस बॉडी कह सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकती है आप अपनी फ्रीक्वेंसी क्या रखें. और फिर प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से भी ये फैसला उसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है. तो ये हो गया जनाब आपका स्क्रम ऑफ स्क्रम. यहां तक इस स्क्रम ऑफ स्क्रम के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. वैसे आगे चल के ये चीजें और ज्यादा तफसील में भी डिस्क्राइब होने वाली हैं. जी एनी क्वेश्चंस? आप लोग हैं भी यहां बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? मतलब मुझे कुछ कुछ शुभ होने लगा है. पहले आप लोग बड़े क्वेश्चन कर रहे थे. ओके जी जी जनाब मोहम्मद अमीन कुरैशी साहब मौजूद हैं? जी जी मौजूद हैं. मेरा एक क्वेश्चन भी था. जी जी बिल्कुल. वो ये है कि एक किसी भी स्क्रम का जो स्क्रम मास्टर होता है, जी जी, जब वो डिफरेंट स्क्रम्स के स्क्रम मास्टर्स जो मिलकर एक फिर स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर बनाते हैं, तो ये लोग जो अपर ग्रेड के ऊपर जो ये स्क्रम मास्टर, स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर और ये जो टीम होती है, ये तो इंडिविजुअल इश्यूज लेकर आते हैं अपने अपने स्क्रम्स के. जी जी जी. तो जब ये एक जगह पर बैठते हैं तो ये तो सिर्फ अपने, ये एक तरह से एक क्रॉस फंक्शनल मीटिंग होती है एक तरह से, कि वो अपने अपने इश्यूज जो है डिस्कस करते हैं, और जो किसी दूसरे से किसी को भी कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो एक दूसरे से लेते हैं और देते हैं. बिल्कुल. क्या ऐसे ही होता है इस मीटिंग में? सर देखें, बात यह है कि इस स्क्रम को हम जरा बारीकी में चले गए. आपने ये गौर किया होगा कि स्क्रम से पहले हमने एक बात और भी की थी कि आउटलाइन प्लान पूरे प्रोजेक्ट का कोई बना हुआ है, कोई रिलीज प्लानिंग भी हुई हुई है. रिलीज प्लानिंग को आप जैसे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर आप कहते हैं फेजेस बनी हुई और किस फेज में क्या डिलीवर होना है, ये तकरीबन रिलीज प्लानिंग है. आपके प्रोजेक्ट का एक जनरल आउटलाइन, एक गैंट चार्ट बना हुआ है, उसमें रिलीज प्लानिंग बनी हुई है कि कब कब क्या रिलीज करना है, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि नीचे की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बांटी जाएंगी और कितनी लेवल्स होंगे नीचे, स्क्रम 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 ऑफ स्क्रम, स्क्रम ऑफ स्क्रम ऑफ स्क्रम, या जितने भी लेवल हो सकते हैं वो आप वहां पे डिसाइड कर लेते हैं. इसका मतलब है कि ये जितने भी जो SOS बने हुए हैं, कन्वीन जब करते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि ऊपर से जो जिम्मेदारियां इस पोर्शन की हैं, क्या ये पोर्शन वो काम सारे कर रहा है. लाजमी बात है कि वो जितने भी काम उठा के लाए हुए हैं, 10 स्क्रम बैठे हुए हैं साइमल्टेनियसली, तो वो अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं. मुझे इस बात का तो अंदाजा हो ही जाता है कि ये 10 स्क्रम में से कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन काम कर रहा है, तो मैं ये रिपोर्ट ऊपर सबमिट कर सकता हूँ. और इसके अलावा मुझे ये भी पता चल सकता है कि इनकी आपस की क्या डिपेंडेंसीज हैं और किसको किस चीज की जरूरत है, मैं उनको वो फैसिलिटेट कर दूंगा एज अ स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर. इस तरह से मैं इनकी कोऑर्डिनेशन को जारी रखूंगा. और बाकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होगा, जिसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है. मतलब मैं कई स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात कर सकता हूं. आप ये कह सकते हैं कि हर स्क्रम का अपना स्क्रम मास्टर और अपना प्रोडक्ट ओनर होगा. इसी तरह जो स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर होगा, उसके पीछे एक स्क्रम ऑफ स्क्रम प्रोडक्ट ओनर भी होगा, और इस तरह उसकी भी हायरार्की ऊपर को चल रही होगी. तो ये आपस में प्रोडक्ट ओनर्स जो लिंक करेंगे वो बेसिकली आपके बड़े प्लान के साथ जुड़ेगा जाके. कुछ लॉजिक बना जी?
जी समझ गया मैं, ठीक है। वंडरफुल, ये तहा आपका कहना चाह रहे हैं? सर ये जितने भी स्क्रम्स हैं इनकी आपस में कोई फॉर एग्जांपल इंटरडिपेंडेंसी होती है या ये टोटली डिसजॉइंट होते हैं आप एक दूसरे के साथ, और सिंपली एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर सेपरेटली काम कर रहे होते हैं और एसओएस जो है वो बेसिकली उन सबको कोलैबोरेट कर रहा होता है, इस तरह से है या? देखिए बात ये है कि दो तरह से ले सकते हैं हम इसको, एक हम इसको फ्री फॉर्मेट में ले सकते हैं कि हम स्क्रम को कहे जो मर्जी काम उठाओ और करो। दूसरा ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीका ये होगा कि जो आउटलाइन प्लानिंग हमने की है उस प्लानिंग में हम अपने प्रोडक्ट जो बैकलॉग है उसके स्ट्रीम्स बना दें, जो काम पैरेलल हो सकते हैं उनके चार पांच स्ट्रीम्स बना दें और प्रोडक्ट बैकलॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर दें वो उतने सेक्शंस के अंदर, और उन्हें कहें कि तुम इधर से काम उठाओगे, दूसरा वाला इधर से काम उठाएगा, तीसरा इधर से काम उठाएगा, तो मैंने प्रोडक्ट ही के टुकड़े करके 10 स्ट्रीम्स में या 5 स्ट्रीम्स में बांट दिए। अब वो 5 स्ट्रीम अपना अपना काम करते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे और इनकी कोऑर्डिनेशन स्क्रम और स्क्रम मास्टर करते जाएंगे। जीता जी सही सर, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने अभी थोड़ी देर पहले भी वैसे एक्सप्लेन किया था ये, मगर स्टिल मेरे लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अबाउट द स्प्रिंट। स्प्रिंट में एक स्क्रम के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्प्रिंट होंगे, स्प्रिंट से मैं अभी तक जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो ये कि आपका एक वर्जन जो रेडी हो जाए फीचर या वर्जन भी रेडी हो जाए दैट इज वन स्प्रिंट, और आपकी जो मल्टीपल स्क्रम्स हैं उनके हर एक अपने अपने काम कर रहे होंगे तो हर एक का अपनी टोटली जो अलग अलग काम कर रहे होंगे, तो इस तरह से कोलेबोरेशन में अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले लें, कोई लेट से कोई एप्लीकेशन मैंने बनानी है तो उस एप्लीकेशन को कोई एक इनिशियल वर्जन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा लेट से, ठीक है दैट इज वन स्प्रिंट। देखिए दो बातें, मैं ठीक है, पहली बात तो ये है कि एक स्प्रिंट जो है वो एक आइट्रेशन को कहते हैं, कोई एक आइट्रेशन एक स्प्रिंट है, ठीक है, और उस आइट्रेशन की उस एक स्प्रिंट की जो डेली रिपोर्टिंग है उसको हम स्क्रम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो कई स्प्रिंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग जानी है वो स्क्रम ऑफ स्क्रम कहलाएगी, रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग इज स्क्रम, एक दिन की रिपोर्टिंग स्प्रिंट के अंदर है वो स्क्रम मीटिंग है, स्टैंड अप मीटिंग, और जो से के हफ्ते के हफ्ते की रिपोर्ट ऊपर स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर ने देखनी है वो स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी है। तो ये वो इन सारी जो स्प्रिंट साइमल्टेनियसली चल रही है उनकी रिपोर्ट उसके पास जाएगी, स्क्रम मास्टर उसके पास जाएंगे और वो रिपोर्ट करेंगे कि हमने इस हफ्ते के दौरान क्या किया, कितने काम करने का प्लान था, कितने काम किए, कितना पीछे है, हमारे क्या मसाइल है, हमें कौन सी चीज फलाने स्प्रिंट से हमें ये फलानी चीज चाहिए, उनसे हमें फलाना इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो इस तरह से वो कोऑर्डिनेट करते हैं। ये तो है लोअर लेवल पे वो खुद आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप पहले से स्ट्रीम्स डिफाइन कर देते हैं कि प्रोडक्ट बैकलॉग में, जो मिसाल के तौर पर आपने सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल दी, आपने कहा जी कि बैक एंड के ऊपर ये टीम काम शुरू कर दे और फ्रंट एंड के ऊपर इनफैक्ट ये काम शुरू कर दे और इसकी फलानी जो हेल्प फाइलें बनाने का काम फलाना शुरू कर दे, तो वो एक तीन स्ट्रीम्स बन गए ना, तो वो उन स्ट्रीम्स में काम करते चले जाएंगे। ये प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन भी हो सकता है लेकिन ये कोई एक तरीका नहीं है ब्रेकडाउन करने का। दूसरी बात, स्प्रिंट कोई एक फंक्शन या फीचर प्रोड्यूस करने का नाम नहीं है, स्प्रिंट जो है वो काम है, नंबर ऑफ टास्क, उन टास्कों से के 10 टास्क कर रहे हैं, 10 एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, उन 10 एक्टिविटी से जो जो भी डिलीवरेबल्स होंगे और वो तमाम उस स्प्रिंट का आउटपुट कहलाएंगे। जैसे कि उन 10 कामों को करने से कोई 20 डिलीवरेबल निकलते हैं तो वो सारे के सारे 20 डिलीवरेबल उनके उनकी रिक्वायरमेंट्स और सब कुछ वो चेक होगी उसके एंड के ऊपर, स्प्रिंट जब एंड होगा तो उसकी रिव्यू मीटिंग होगी, उसके अंदर वो स्टेक होल्डर के साथ उसको अप्रूवल लेंगे, मतलब यूजर एक्सेप्टेंस उस आइटम की वही हो जाएगी। ओके जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। ये जो अगला मॉड्यूल है हमारा ये है कि स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज आपके सामने रखी है, ये आपको डाउनलोड आपने कर ली होंगी,
स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज ये इन्हीं की है, मतलब स्क्रम स्टडी वालों ने बनाई है। तो जैसे आपने देखा था scrum.org वालों ने अपनी एक गाइड बनाई हुई है, जेफ सदरलैंड वालों ने, और फिर एक और भी हमने देखा था उन्होंने अपनी किताब बनाई हुई है, कुछ ने किताब नहीं भी बनाई हुई, उन्होंने सिर्फ अपने नोट्स बनाए हुए हैं। मेरा मतलब है कोई बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, सारे जो मुख्तलिफ बॉडीज हैं सब ने कोई एक जैसी एफर्ट नहीं की हुई। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि स्क्रम स्टडी मुझे इसलिए बेहतर लगा कि कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन्होंने अपनाई है, कोई स्टैंडर्ड बनाया है। लेकिन इसके साथ भी डिफरेंस थोड़ा सा लोगों का है, वो कहते हैं जी इतनी ज्यादा आप जब प्रोसीजर्स ही बना देंगे, प्रोसेसेस बना देंगे, प्रोसीजर बना देंगे, तो फिर एजाइल तो ना रहा। तो इस हवाले से डिसिप्लिन्ड एजाइल वाला कहता है कि कोई प्रोसीजर प्रिंसिपल नहीं होने चाहिए। वो थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलते रहते हैं, लेकिन अदरवाइज काम करने के हवाले से गालिबन स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज जो हम पढ़ रहे हैं ये मुझे काफी फाल लगी, काफी वर्केबल है। इसका पर्पस क्या है जी? इसमें हम पहले तो वाई एंड व्हाट को देखेंगे, क्या क्यों बनी, क्या है इसके अंदर, कौन इसको पढ़े, स्क्रम टीम की कोर मेंबर्स कौन से होते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड रेफरेंस सोर्सेज हैं वगैरह वगैरह जो इसकी चीजें हैं उनको हम एक नजर देख लेते हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखें और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्क्रम स्टडी। इन दिस मॉड्यूल वी विल लर्न द पर्पस ऑफ एसबॉक गाइड। वी विल स्टार्ट बाय आस्किंग टू क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड एसबॉक गाइड फर्स्ट ऑफ ऑल? What is it based on? Well, in recent years, it has become evident that more and more organizations are choosing Scrum over traditional project management models. This suggests that Scrum principles and practices are having a greater impact than traditional project management models on project success. SBOC Guide was developed as a means to create a necessary guide for organizations and project management practitioners who want to implement Scrum, as well as those already doing so who want to make needed improvements to their processes. It is based on experience from numerous projects across a variety of organizations and industries. The contributions of many Scrum experts and project management practitioners have been considered in the development of SBOC Guide. So let's now see who uses SBOC Guide and how it is valued. The SBOC Guide is especially valuable to the Scrum Core team members. Who are the Scrum Core team members? Let's meet them one by one. Here come the product owners first. They use the SBOC Guide to fully understand the Scrum framework, and particularly the customer stakeholder related concerns involving business justification, quality, change, and risk aspects associated with Scrum projects. Scrum Masters are the next group of people who use SBOC Guide to learn their specific role in overseeing the application of Scrum framework to Scrum projects. And lastly, the Scrum team members who use the SBOC Guide to better understand Scrum processes and the associated tools that may be used to create the project's product or service. SBOC Guide is valued in other aspects as well. It is used as a comprehensive guide for all Scrum practitioners working on Scrum projects in any organization or industry. It is a reference source for anyone interacting with the Scrum Core team, including, but not limited to, the Portfolio Product Owner, Portfolio Scrum Master, Program Product Owner, Program Scrum Master, Scrum Guidance Body, and stakeholders, such as the sponsor, customer, and users. And it is a knowledge source for any persons who have no prior experience or knowledge of Scrum framework, but wants to learn the details about the subject. Now that we've learned about the SBOC Guide in detail, let's now go through the various levels of certification exams offered by Scrum Study, which aspirants can take up based on their understanding of the content of the SBOC Guide. The certification exams are as follows. For all Scrum team members, participants, and stakeholders, SBOC Guide recommends the Scrum Developer Certification, or SDC, as an entry-level certification. For all Scrum Masters, Scrum Master Certification, or SMC, is proposed. This certification provides professionals with a practical, working knowledge of Scrum. Agile Expert Certification, or AEC, provides the participants with the ability to compare and choose which framework would be appropriate in a given situation. Scrum Product Owner Certification, or SPOC,
is designed to provide professionals with a practical working knowledge of Scrum that equips them to handle the business aspects and stakeholders in a Scrum environment. If you are an active SMC, SPOC, or SDC who has reached that next level of experience and expertise in using Scrum framework, elevate your career even further by earning the ESM credentials. So this covers the purpose, use, and various levels of certification exams in Scrum. Thank you for learning with us. राइट जी, आपने देखा कि बहुत ही मुख्तसर तरीके के साथ और बहुत आला तरीके से उसने इस बात को डिफाइन कर दिया कि स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज है क्या और इसके अंदर क्या क्या है और कौन कौन इसे कब कब देख सकता है। तो मैं थोड़ा सा उसी बात को हमें कोई एक गाइडेंस चाहिए, कोई गाइडेंस बॉडी हमें रिक्वायर्ड है, उसके बगैर हमारे लिए मुश्किल है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि ये क्या, इसका मकसद क्या है। तो बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो तमाम रोल्स जितने भी हमने अभी बात की है उन रोल्स के लिए रिक्वायर्ड है। जरूरी नहीं है कि हर कोई पूरी पूरी किताब पढ़े। किसी को जैसे प्रोडक्ट ओनर है उसको चेंज, रिस्क और बाकी हाई लेवल की चीजों को समझना जरूरी है, उसने ओवरऑल रिस्क को देखना है। इवन प्रोडक्ट ओनर जो स्क्रम मास्टर है उसका रोल है, उसने देखना है कि चीजों की रोजमर्रा प्रोडक्ट स्क्रम को चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कहां कहां उसका प्रोडक्ट ओनर के साथ इंटरेक्शन बनता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, जैसे पीएमबीओ के है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बॉडी है ट्रेडिशनल। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको कल जिक्र किया था कि इवन जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी ही तरीके थे वो भी अब एजाइल होते चले जा रहे हैं। पीएमबीओ के इटसेल्फ अब जिसे कहते हैं मेजरली एजाइल हो चुकी है, और फिर उन्होंने डिसिप्लिन एजाइल भी खरीद लिया, उन्होंने एसीपी भी शुरू की हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि और आप चले जाएं और चले जाएं ना कहीं और, आप देख लें यूके साइड के ऊपर चले जाएं तो प्रिंस टू चलता था, उन्होंने डीएसडीएम और डेवऑप शुरू किया हुआ है, वो भी एजाइल पे हो गए हैं। तो दुनिया में जहां कहीं भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनके अंदर अब वो एजाइल की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है आपके लिए भी कि आप भी बचेंगे नहीं इससे, आपकी इंडस्ट्री भी बहुत जल्द आपसे डिमांड करेगी कि जनाब हमने तो एजाइल प्रोजेक्ट चलाना है, क्योंकि इसके फवायद ही बहुत है। आपने देखा अभी गौर किया होगा कि जनाब अली स्पीड इसमें है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें, कितनी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है, कंसिस्टेंसी इसमें है, सस्टेनेबिलिटी इसमें है, मेरा मतलब है कि यू नेम इट एंड यू हैव इट, सब चीजें इसके अंदर मौजूद है। और जो स्क्रम प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हैं वो उनको बेटर तरीके के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। नेसेसरी गाइड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ड्रॉन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि ये जो एक्सपीरियंसेस कह रहे हैं इसमें ज्यादातर एक्सपीरियंसेस आईटी इंडस्ट्री के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, किसी हद तक टेलीकॉम के भी हैं। टेलीकॉम गालिबन सबसे ज्यादा यूज कर रही है स्क्रम को, अगर कर रही है तो आउटसाइड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आईटी टेलीकम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। वैसे तो तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एटलीस्ट सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ जो वर्किंग है उसमें तो एनीवेज वो लोग स्क्रम इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन स्क्रम अगर मैं पाकिस्तान में देखूं तो इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मुझे याद है कि आज से कोई 15-1 साल पहले जब मैंने पहला सेमिनार एजाइल पे नस्ट में कंडक्ट किया तो वहां पे जो ऑडियंस थे उनमें से मैंने पूछा भाई एजाइल का नाम किसने सुना हुआ है, तो एक दो लोगों के अलावा किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। फिर 10 साल पहले एक दफा फिर एक और इसी तरह का उसी जगह के ऊपर सेमिनार हुआ और वहां पे मैंने देखा कि हॉल में से कुछ नहीं तो 30% लोग एजाइल का नाम सुना हुआ था और जानते थे ये क्या है। 5 साल पहले एक और सेमिनार इसी तरह किया नस में और आप इस दफा देखें तो कोई 90% से ज्यादा लोग जानते थे कि एजाइल क्या चीज है। अच्छा, अब मैं इंडस्ट्री की तरफ आता हूं। अगर मैं इंडस्ट्री को देखूं तो गालबन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 100%, मतलब कोई 1-2% ही लोग होंगे जो शायद इसके वाकिफ ना हो। सॉफ्टवेयर में बंदा और उसे एजाइल का ना पता हो ये तो ना हो नहीं सकता।
तो ऑलमोस्ट 100% लोग जो हैं वो एजाइल को जानते हैं, और अक्सर उनमें से मतलब 90% तो क्लेम करते हैं कि हम तो एजाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि वो एजाइल फैशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या वाकई इस्तेमाल हो रहा है। पता ये चलता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग एजाइल जस्ट बिकॉज देयर काउंटर पार्ट्स अब्रॉड आर यूजिंग इट, तो वो शौक में वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, मगर क्लासिकली उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो एजाइल नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी भी जो स्क्रम मास्टर है जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में फिर रहा है, अक्सर स्क्रम मास्टर आम प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह डंडा लेके टीम के पीछे भाग रहे हैं, तुम ये करो तुम वो करो, काम वो खुद साइन करते हैं, एक एक बंदे को खुद डांटते हैं, और दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, तो ये तो एजाइल एनवायरमेंट है ही नहीं है। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम जरूर हैं, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लार्ज ऑडियंस इन पाकिस्तान एटलीस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आर अवेयर ऑफ इट। और ना सिर्फ वो बल्कि अभी जैसे आप लोग कोर्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप कोर्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम था कि उन्होंने एजाइल का कोर्स रख लिया या स्क्रम का कोर्स रख लिया। बेसिकली दिस किसे कह रहे हैं कि अवेयरनेस है जो इस वक्त सारी इंडस्ट्री में आ रही है कि जनाब इन चीजों की तो जरूरत है या पड़ेगी, मतलब बोथ वेज ये काम तो करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस वजह से आपको ये स्क्रम का समझ आना जरूरी है, और ये बहुत जल्दी जिस तरह से बाहर से हवाएं आ रही हैं, हमें ये नजर आ रहा है कि स्क्रम अभी कॉमन प्रैक्टिस बनने वाला है, डेली ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कंप्लीटली बदल जाएगी। तो ये जनाब लोगों के तजुर्बात के ऊपर इन्होंने ये गाइड तकमील दी है, इसको ये स्पेशली वैल्यूएबल है स्क्रम के कोर रोल्स के लिए, कोर टीम मेंबर्स, और कोर टीम मेंबर्स जैसे इसने आपको बताई दिया प्रोडक्ट ओनर होता है, जो मैंने आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम इसको प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कहते हैं, वहां इसका रोल बड़ा वो खामोश सा होता है, बस वो परमिशन देनी है आ गया, चेंज रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए आ गया, चार्टर लिख दिया, मतलब वो हुक्म जारी करना या मेन डिसीजन लेने के लिए प्रोडक्ट ओनर आता है या फिर अपनी गवर्नेंस बॉडी को साथ देके आता है, अदरवाइज प्रोडक्ट ओनर का वहां कोई खास रोल, स्पॉन्सर का कोई खास रोल नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट ओनर का बड़ा मेजर रोल है, वो जो हायर लेवल की जितनी भी प्लानिंग और मैनेजमेंट हो रही है ओवरऑल प्रोजेक्ट की, वो दरअसल प्रोडक्ट ओनर कर रहा है। अब भले आप इसको प्रोजेक्ट मैनेजर कह लें, आपकी मर्जी है, मतलब ये एक रोल है जो कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, उससे रिक्वायरमेंट्स उठाता है और उनका एक ओवरऑल प्लान बनाता है, उसकी रिलीज फेजेस जैसे होती हैं प्रोजेक्ट में उनकी रिलीज प्लानिंग करता है, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बैकलॉग को ग्रूम करता है और प्रायोरिटाइज करता है। स्क्रम मास्टर जो है वो जैसे मैंने आपको बताया पहले प्रोडक्ट ओनर की बात होगी, स्क्रम मास्टर जो है वो बॉडी ऑफ नॉलेज से लर्न करेगा अपने रोल के हवाले से कि कैसे उसने ओवरसी करना है, उसका काम ही ओवरसी करना है, मतलब उसने डेली स्क्रम्स रन करनी है। अच्छा, उसने ये भी इंश्योर करना है कि स्क्रम की सही प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, अगर नहीं हो रही तो उसने टीम को गाइड करना है, और अगर जरूरत हो तो ट्रेन भी करना है, मतलब इस हद तक ये उनसे मोतबर है कि वो उनको ये कह सकता है कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये प्रैक्टिस आप ऐसे नहीं ऐसे किया करें, उनको आपको ट्रेनिंग में अरेंज कर देता हूं, तो मतलब जहां कोई कमी पेशी है मतलब वो उनके लिए रिसोर्स फ्राहम करेगा। फिर जो स्क्रम टीम है उसने तो काम करना है, तो वो इसको इस्तेमाल करेगी कि प्रोसेस कैसे अंडरस्टैंड किए जाए, और इस गाइड को अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करेगी कि ये जो टूल्स हैं जैसे हमने कहा था वो बर्न डाउन चार्ट है और कैन बैन है और व्हाटएवर, तो वो जो भी चीजें हैं उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए वो यहां से। तो ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है दिस इज यूज्ड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर ऑल स्क्रम प्रैक्टिशनर, तमाम लोगों के लिए हो गया ना, मतलब स्क्रम प्रोडक्ट ओनर भी है और स्क्रम मास्टर भी है और टीम मेंबर्स भी हैं, ऑन स्क्रम प्रोजेक्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आर इंडस्ट्री। तो ये भले आपका कोई भी स्केलिंग लेवल हो, पोर्टफोलियो
लेवल हो, प्रोग्राम लेवल हो या प्रोजेक्ट लेवल हो, और किसी भी लेवल के स्टेक होल्डर्स हो, उन तमाम में डिफरेंट प्रोडक्ट ओनर, डिफरेंट स्क्रम मास्टर, अब स्केलिंग के हिसाब से सबसे ऊपर पोर्टफोलियो का प्रोडक्ट ओनर होगा और पोर्टफोलियो का स्क्रम मास्टर होगा, फिर प्रोग्राम का प्रोडक्ट ओनर, प्रोग्राम का, फिर प्रोजेक्ट का हो सकता है वो, और उसके नीचे शायद आपके टीमों के हों, जैसे आपने किसी ने जिक्र किया। तो मतलब यू हैव टू अप्लाई योर माइंड कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। एनी पर्सन हु हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस, उसको भी ये किताब पढ़ने की जरूरत है कि वो इनसे चीजें सीख सके। ये वो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं जो मैंने आपको बताई। मैंने एक बेसिक सर्टिफिकेशन जो यहाँ नहीं लिखी हुई वो है स्क्रम डेवलपमेंट, सॉरी स्क्रम फंडामेंटल सर्टिफाइड, मतलब ये जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, जिस बंदे ने इतना पढ़ा हुआ है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो एक छोटा सा पेपर देके आप स्क्रम सर्टिफाइड, स्क्रम फंडामेंटल सर्टिफाइड हो जाएंगे। लेकिन SGC, SMC और ये जितनी भी सर्टिफिकेशन दी हुई हैं, इनको इनकी फीस है, मतलब अभी मेरे याद नहीं है, लेकिन कुछ 400 कुछ डॉलर, $450 गलबन, $460 के SMC की है, $350 कोई स्क्रम डेवलपर की है, और इसी तरह $600 कोई एजाइल उसकी है, और इस तरह ये हायर होती है। तो मतलब दिस इज डूएबल जनाब, ये मॉड्यूल खत्म हुआ। अच्छा जी, इस यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी क्वेश्चन कर लें ताकि मैं फिर आगे चल सकूं। ये अभी आप 7वां मॉड्यूल करने लगे, 12 मॉड्यूल्स के बाद आप लोग अगर चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं आपका एग्जाम बुक करा दूंगा और आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, चाहेंगे तो हम इधर क्लास में बैठ के ऑनलाइन एग्जाम कर सकते हैं। जी अमीन कुरैशी साहब, मैं ये कहता सर, जो बात आपने की है के 12 मॉड्यूल करके हम मतलब ये एग्जाम दे सकते हैं, इज इट पॉसिबल कि कोई ऐसा टेस्ट कंडक्ट कर लें आप पहले लोकली, कि वो हम टेस्ट दे लें तो हम कंफर्म हो जाए कि हाँ हम वो सर्टिफिकेशन जो एग्जाम है वो पास कर सकते हैं, देन फिर हम वो एग्जाम दें। सर आप फिक्र ही ना करें, ये इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 10 दफा फेल हो 10 दफा दोबारा दे दें, कोई मसले वाली बात, जबरदस्त आप इसको उधर दें, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह पहली दफा में लोग पास होंगे मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं। अभी तक क्या पढ़ा है हमने? कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, इंट्रोडक्शनरी बातें हल्की हल्की पढ़ी है, स्क्रम मास्टर क्या होता है, फलानी चीज क्या होती है, वो प्रिंसिपल्स क्या है, इस हद तक अगर आपको चीजों का पता है तो आप ये एग्जाम पास कर सकते हैं। खैर ये अभी थोड़े से 5-6 मॉड्यूल और हैं, ये कर लें। मेरा ख्याल है कल की क्लास के एंड के ऊपर या परसों के स्टार्ट में हम चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी, जैसे आप चाहें। अच्छा जी, अगला मॉड्यूल देखते हैं। ओके जी, ये है फ्रेमवर्क, क्या है ये बॉडी ऑफ नॉलेज जो बनी हुई है, इसमें क्या है, इसके अंदर हाउ इज इट डिजाइन्ड। इसमें जनाब 3 तो की एरियाज हैं, 6 स्क्रम के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, 5 स्क्रम की एस्पेक्ट्स हैं, 19 स्क्रम के प्रोसेसेस हैं, 5 स्क्रम के फेजेस हैं, और इसका सॉरी SBOK का अपना फ्रेमवर्क है। ये जनाब 7वां मॉड्यूल है और इसको एक नजर आप देख लें। अच्छा आप ये देखेंगे कि दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम यू नो जो एजाइल वाली चीज थी, एजाइल मैनिफेस्टो। याद रहे एजाइल बुनियाद है, एजाइल में जो भी वैल्यूज दी गई थी इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में ऐड की हैं, 100% ऑल दोज वैल्यूज विल बी देयर, और ऑल दोज प्रिंसिपल्स विल बी देयर। तो ये इसकी फिक्र ना करें कि वो चीजें कहां गई, सब चीजें हैं, एवरीथिंग इज देयर, सिर्फ इन्होंने उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है चीजों। तो ये जनाब आप सुनिएगा थोड़ा सा और फिर हम इसके ऊपर बात भी करते हैं। Hello and welcome to Scrum Study. We will now look at the module on the framework of the SBOT guide.
SBOT Guide is broadly divided into three key areas. They are principles, aspects, and processes. So let's start with the principles. A total of 6 principles given in the SBOT Guide form the foundation of Scrum. They are empirical process control, self-organization, collaboration, value-based prioritization, time boxing, and iterative development. These principles are the chief guidelines for implementing Scrum. There are 5 Scrum aspects. They are organization, business justification, quality, change, and risk. These aspects are important considerations to be included in all Scrum projects. And finally, we have the processes. There are a total of 19 processes in the SBOT Guide. These processes are distributed throughout the 5 phases. Initiate, plan and estimate, implement, review and retrospect, and release phase. नेट का प्रॉब्लम आ गया जी थोड़ा सा. A detailed description of each process, its inputs, tools, and outputs. In the upcoming videos, I will explain each of these processes. Taking a look at this diagram, you can see that all areas need to work together for the effective application of Scrum. Imagine a well-oiled machine in which all the parts work together in synchronization to produce the desired output. Well, the Scrum framework is something just like that. I hope that you have a good idea about the framework of SBOT Guide by now. अच्छा जी, अब आपने ये देखा, मेरा ख्याल है इसमें तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत है. जस्ट नॉमिनेटेड उसने वो लिस्ट किया, उसने कहा 3 चीजें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, प्रोसेसेस हैं. प्रिंसिपल जो 6 हैं, उसके बाद ये 5 एस्पेक्ट्स हैं, 19 प्रोसेसेस हैं जो कि इन 5 फेजेस में डिस्कस होती. अब इनको आगे एलैबोरेट करेंगे ना, अगले जो सब्सिक्वेंट चीजें आएंगी उसमें इनको फर्दर हम एलैबोरेट करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी. मेरा ख्याल है कि मैं इसको यहां आपको अगली पे ले जाता हूं सीधा सीधा. लोड होने देंगे, थोड़ा सा करने पड़ेगा, आज उम्मीद है गड़बड़ नहीं होगी. ये जनाब 8वां मॉड्यूल है हमारा, हाउ टू यूज स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज गाइड. इसमें हम रेफरेंस एंड नॉलेज गाइड को देखेंगे, एक्सपीरियंस स्क्रम प्रैक्टिशनर्स, अदर प्रैक्टिशनर्स जिनका कोई नॉलेज नहीं है उनके हवाले से इजी रेफरेंस है, बाय कोर रोल्स, रोल गाइड, मैंडेटरी और ऑप्शनल क्या होते हैं, एस्टेरिक्स एंड फोकस. ये अभी आप सुनेंगे तो आपको ये बातें समझ आ जाएंगी. हेलो and welcome back to Scrum Study Course on the Guide to the Scrum Body of Knowledge, or the SBOT Guide. In this section, we will look at the best way to use the SBOT Guide. But before that, let's review some foundation material. The SBOT Guide is a reference and knowledge guide. It is used by experienced Scrum practitioners and other product and service developers, as well as persons with no prior experience or knowledge of Scrum or other project management frameworks. In SBOT Guide, you will find that the contents are organized for easy reference by the 3 Scrum core team roles, that of the product owner, Scrum Master, and the Scrum team. The content for each Scrum core team role is identified in the Roles Guide section. A Roles Guide provides direction regarding the relevance of each section in the chapter to the Scrum core team member. The phases covering the 6 Scrum principles and 5 Scrum aspects also include a roles guide. What's more, in order to facilitate the best application of the Scrum framework,
the SBOT guide has clearly differentiated mandatory inputs, tools, and outputs from non-mandatory or optional ones. In the SBOT guide, the inputs, tools, and outputs denoted by asterisks are mandatory, while others with no asterisks are optional. It is recommended that persons being introduced to Scrum focus primarily on the mandatory inputs, tools, and outputs, while more experienced practitioners should read the entire process phases. I hope this will help you in understanding SBOT guide better. I look forward to seeing you in the next module. Thank you for learning with us. अच्छा ये बहुत ही शॉर्ट उसने इंट्रोडक्शन दिया कि इसमें क्या क्या कुछ है. एक तो एसबीओ के गाइड जो है वो रेफरेंस है, वो तो हम समझते ही हैं, और उसको किस किस ने कब कब रेफर करना है वो भी बात हमने देख ली. ये जनाब जिसको पहले एक्सपीरियंस है या नहीं है, दोनों के लिए ये काम की चीज है. इसमें जो रोल्स के हिसाब से डिफाइन किया गया, और ये हम बकायदा जब आगे डिस्कस करेंगे तो एक एक रोल को डिस्कस करेंगे, और ये प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे, एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे. एवरीथिंग विल बी थॉरली एलेबोरेटेड टू फैसिलिटेट बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ स्क्रम फ्रेमवर्क. एसबीओ के गाइड हैज क्लियरली डिफरेंशिएटेड मैंडेटरी. मैंडेटरी और ऑप्शनल का क्या है, मिसाल के तौर पर एक काम है, एक प्रोसेस है, 19 है ना प्रोसेस, एक प्रोसेस है, उसके कुछ इनपुट्स लिखे हुए हैं, टूल्स लिखे हुए हैं, और कुछ आउटपुट्स लिखे हुए हैं. अब उनमें से जो कुछ इनपुट्स होंगे उनके साथ एरिस्टेरिक का निशान लगा होगा, कुछ के साथ नहीं लगा होगा. इसी तरह कुछ टूल्स के साथ एरिस्टेरिक का निशान लगा होगा, कुछ के साथ नहीं होगा, आउटपुट में भी ऐसा ही होगा. तो जिनके साथ एरिस्टेरिक लगा हुआ है, ये इनपुट्स, ये टूल्स और ये आउटपुट्स आपके लिए जरूरी हैं, इनके बगैर ये काम नहीं हो पाएगा. और जिनके साथ नहीं लगे हुए वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहें तो ना करें, लेकिन जो ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फंक्शनैलिटी है किसी भी प्रोसेस की वो उन मैंडेटरी इनपुट्स, टूल्स और आउटपुट्स को हैंडल करने से पूरी हो जाती है. फिर जनाब पर्सन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू स्क्रम, जो नए लोग हैं वो प्राइमरीली मैंडेटरी इनपुट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स हैं वो तमाम प्रोसेसेस को देख सकते हैं. खैर जी, ये भी एक छोटा सा मॉड्यूल था इंट्रोडक्टरी टाइप का. आपने देखा होगा कि इसमें जो मॉड्यूल्स हैं वो हम बहुत ज्यादा कोई गहराई में चीजों को नहीं जा रहे, और आपका एग्जाम भी बस इतना इतना ही होगा, इतनी सी बात ही होगी, ज्यादा गहराई में बहस नहीं की जाएगी. सिर्फ आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल कौन सा है, फलानी चीज कैसी है, कौन लोग हैं जिनको ये पढ़ने की जरूरत है, इस तरह के आसान आसान सवाल. तो मतलब ये कि ये एक अच्छा लैंडमार्क हो जाता है, जब आप इसको सर्टिफाई कर लेते हैं तो आपको एक हिम्मत बन जाती है कि यार कुछ स्क्रम की थोड़ी सी समझ तो आई गई है, अब आगे भी मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ. तो आप अपनी हिम्मत जमा करके फिर आगे की तरफ भी काम करना शुरू कर सकते हैं. अच्छा जी, अगला है स्क्रम प्रिंसिपल्स. अब वो प्रिंसिपल्स वाली जो बात थी उनको एक एक करके, जो छह प्रिंसिपल थे उनको खोला जा रहा है यहां पर. और ये जनाब पहले आपको बताता है कि ये क्यों जरूरी है, इनसे आपको कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, इन प्रिंसिपल से एस्पेक्ट और प्रोसेस मॉडिफाइबल हैं. छह जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, वो इंपीरियल प्रोसेस कंट्रोल है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, कोलेबोरेशन, वैल्यू बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन, टाइम बॉक्सिंग और आइटरेटिव डेवलपमेंट है. Here it is. Hello, and welcome to our module on Scrum Principles in the SBOT Guide. So far, in our journey towards Scrum, we have learned how to use the Scrum body of knowledge. In many of the previous videos, we have only mentioned the Scrum Principles. Now, in this module, we will look at these principles more closely. So why are these principles so important? Because the Scrum Principles are the core guidelines for applying the Scrum Framework, and should always be used in all Scrum projects.
So let's take a look at these principles. The six Scrum principles are empirical process control, self-organization, collaboration, value-based prioritization, time boxing, and iterative development. You can see how they are arranged in this diagram. Note that Scrum principles can be applied to any type of product in any organization and should always be followed in order to ensure effective implementation of the Scrum framework. Scrum principles are non-negotiable and should be applied as specified in the SBOT guide. Keeping the principles intact and using them appropriately instills confidence in the Scrum framework with regard to attaining the objectives of the project. On the other hand, the Scrum aspects and processes can be modified to meet the requirements of the project or the organization. Following is a detailed look at each principle, beginning with empirical process control. This principle emphasizes the core philosophy of Scrum, based on the three main ideas of transparency, inspection, and adaptation. The second principle is self-organization. It focuses on today's workers, who deliver significantly greater value when encouraged to self-organize, rather than working under command and control style of traditional project management. The third principle, collaboration, focuses on the three core dimensions related to collaborative work. That is, awareness, articulation, and appropriation. It also advocates project management as a shared value creation process, with teams working and interacting together to deliver the greatest value. The fourth principle is value-based prioritization. This principle highlights the focus of Scrum to deliver maximum business value, beginning early in the project and continuing throughout. The fifth principle is time boxing. This principle emphasizes time as a limiting constraint in Scrum. Time boxing is used to help effectively manage project planning and execution. Time-boxed elements in Scrum include sprints, daily stand-up meetings, sprint planning meetings, and sprint review meetings. And finally, we have iterative development as the sixth principle. This principle defines iterative development and emphasizes how to better manage changes and build projects that satisfy customer needs. It also delineates the product owners and organization's responsibilities related to iterative development. That covers the six Scrum principles. These will continue to be developed throughout our other course modules. Thank you for learning with us. आपने ये बात देखी कि इसने बहुत ही मुख्तसर तरीके के साथ उन principles को खोला, लेकिन describe नहीं किया। वजह उसकी क्या है कि ये introduction चल रहा है। जब हम Scrum Master की training शुरू करेंगे, जब ये 12 modules हो जाएंगे, Scrum Master की actual training शुरू करेंगे, तो फिर उस वक्त हम इन चीजों को फिर सही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर जो स्क्रम मास्टर का एग्जाम होता है वो काफी ज्यादा एलेबोरेट होता है, मतलब उसको पास करना थोड़ा मुश्किल भी है और उसका पास स्कोर भी काफी हाई है, तो 80% से अबव उसका पास स्कोर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, बिल्कुल डुएबल है, आसान होता है, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा इससे फंडामेंटल से तो काफी लेवल हाई है। तो ये कोर गाइडलाइन है, तो एक बात तो हमें ये पता चल गई कि ये जो छह प्रिंसिपल हैं ये मैंडेटरी हैं, मतलब ये दरअसल तशरीह है एजाइल मैनिफेस्टो की, वो जो चार वैल्यूज थी ना ये उनकी तशरीह है, और जैसे वो चार प्रिंसिपल्स फॉलो करना लाजिम है तो वो इसके अंदर बिल्ड कर दिए उसने, और उसने छह प्रिंसिपल्स बना दिए, और ये छह प्रिंसिपल्स स्क्रम स्टडी वाले कहते हैं कि ये आपके लिए फॉलो करना मैंडेटरी है। और इन प्रिंसिपल्स में एम्पेरिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है उसमें वो कहता है कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी ये कस्टमाइज नहीं होता, हाईली कस्टमाइजेबल, और टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्क्रम फ्रेमवर्क, ये इंश्योर करता है कि स्क्रम फ्रेमवर्क को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, और ये नॉन निगोशिएबल जो एम्पेरिकल अप्रोच है ये नॉन निगोशिएबल है, मतलब मैंडेटरी है, और इसको जैसे कि एसबीओके में डिफाइन किया गया है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो उस
उसको उस तरह से इस्तेमाल करने की एग्जैक्टली जरूरत है. सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस कैन बी मॉडिफाइड टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन. स्क्रम प्रिंसिपल्स जो है उसकी कुछ एस्पेक्ट्स जो उसके अंदर की चीजें हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल एज सच चेंज नहीं होगा. अब इंपेरिकल के अंदर कहता ट्रांसपेरेंसी, समझ गए होंगे आप लोग ट्रांसपेरेंसी से मतलब पहला प्रिंसिपल जो एम्पेरिकल प्रोसेस कंट्रोल है और उसमें कहता है ट्रांसपेरेंसी. हमने ट्रांसपेरेंसी तो यहां तक की कि कस्टमर हर जगह हमें देख रहा है, कोई सीक्रेट नहीं है कस्टमर के साथ और हर चीज ट्रांसपेरेंट है. अगर कोई ऐसी चीज हो कि जो कोई आप कहें कि जी ये तो हमारे वो सिक्योरिटी में आती है और ये हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो उसका बकायदा आप वो एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि ये जो लोग जिन लोगों के साथ ये बात शेयर की जा रही है वो किसी और से बात नहीं करने के पाबंद हो. तो ट्रांसपेरेंसी है जी इसके अंदर, तो इसमें कोई चीज छुपाई नहीं जा रही, वाजे है सब कुछ. इंस्पेक्शन और एडाप्टेशन, इंस्पेक्शन किसी भी वक्त कोई आके इसे देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और हम तैयार हैं हर वक्त चीजों को अडॉप्ट करने के लिए, तब्दीली के लिए हर वक्त हम तैयार. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में हम आज के वर्कर के हिसाब से देखते हैं कि वो वर्कर क्या चाहता है. वक्त तब्दील हो गया है, अब वो पत्थर के जमाने के आदमी नहीं है कि अहराम मिस्र बनाए जा रहे हैं और हंटर मार मार के लोगों से काम कराया जाए. लोगों को खुद काम करने की इजाजत दी जाए, उनको एम्पावर किया जाए और उनको कमांड एंड कंट्रोल वाले तरीके से ना मैनेज किया जाए बल्कि उनको खुद काम करने का मौका दिया जाए. दिस इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. फिर आपकी कोलैबोरेशन है और इसमें हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होती है जब वो आपस में मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को समझते हैं, ये अपने बात जो कह रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं अगले को और उसको अप्रोप्रिएट कर सकते हैं. एडवोकेट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ शेयर्ड वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस. मतलब यहाँ पे हम ना सिर्फ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं बल्कि उसे लेसन भी लर्न कर रहे हैं और पूरी टीम सीख रही है और पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व है. वैल्यू बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन का मतलब यह है कि वो काम पहले किया जाए जो सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है ताकि हम जल्द अज जल्द ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर सके, मैक्सिमम बिजनेस वैल्यू इन द बिगिनिंग. टाइम बॉक्सिंग मतलब हर चीज जो इसके अंदर, मिसाल के तौर पे स्प्रिंट जो है उसका आपने टाइम फिक्स कर दिया कि जी स्प्रिंट विल नॉट बी मोर देन से 2 weeks. डेली स्टैंड अप मीटिंग की मुद्दत जो होती है वो वैसे तो रिकमेंडेड है कि 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, मगर आप इसको सेट कर सकते हैं 5 मिनट रख सकते हैं, 10 मिनट रख सकते हैं, 12 मिनट रख सकते हैं, मगर ये जितना भी टाइम आपने फिक्स कर दिया है ये टाइम बॉक्स है. 10 मिनट गुजर जाएंगे तो मीटिंग डिस्पर्स हो जाएगी. ये नहीं हो सकता कि मेरा पॉइंट बाकी है, मैं अभी बोला नहीं हूं, बस काम टाइम खत्म हो गया, अपने अपने काम पे जाएं. स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग्स हैं, जब आप किसी स्प्रिंट को शुरू करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग होती है, जो टीम बैठ के अपनी प्लानिंग करती है और अपना प्लान प्रेजेंट करती है, तो ये उसकी प्लानिंग मीटिंग है. और फिर जिस वक्त वो चीजें बना लेती है और काम मुकम्मल कर लेती है तो फिर स्टेक होल्डर अपना कस्टमर आता है और प्रोडक्ट ओनर आता है और उनकी मौजूदगी में वो अपना केस प्लीड करते हैं. रिव्यू मीटिंग होती है, वहां पे वो प्रेजेंट करते हैं कि जी हमने ये चीज इन स्पेक्स के तहत बनाई है और आप इसे चेक कर लें. यूजर एक्सेप्टेंस उस चीज की हो जाती है, मतलब आइट्रेशन बाय आइट्रेशन उसकी जो भी वो उसकी मीटिंग का भी कोई टाइम है, प्लानिंग का भी टाइम है, रिव्यू का भी टाइम है, वो फिक्स टाइमिंग है. फिर जनाब आपकी चेंज आ जाती है. सिक्स प्रिंसिपल मैनेज चेंजेस बेटर. हम ज्यादा बेहतर क्योंकि हम आइटरेटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वी आर एबल टू मैनेज चेंजेस बेटर. मतलब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आइटरेशन में करूं इसमें मुझे बॉदर ना करें, इससे आगे कुछ भी चेंज कर, तो हम कोई चीज खराब भी नहीं होने दे रहे, जो काम हो रहा है उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे और एट द सेम टाइम वी आर ओपन टू चेंजेस. बिल्ड प्रोजेक्ट्स दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड. तो इसमें आइटरेटिव डेवलपमेंट में हम ये बेनिफिट भी अचीव कर रहे हैं. तो ये तो हो गया जी ये मॉड्यूल. और यहां पर
स्क्रम एस्पेक्ट्स आ जाती हैं जी। स्क्रम एस्पेक्ट्स में क्या है ये स्क्रम एस्पेक्ट्स? ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल की कैटेगरीज, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा अभी, ओके अभी नजर आ रहा है, रोल की कैटेगरीज, कोर रोल्स क्या हैं, नॉन कोर रोल्स क्या हैं, बिजनेस जस्टिफिकेशन, क्वालिटी चेंज और रिस्क, वेरी ब्रीफ, हल्का हल्का इनके ऊपर एक छोटी सी बात हो जाए और ताकि हम अपने फंडामेंटल्स को सही तरह से कंप्लीट कर सकें। Hello, and welcome to the new module Scrum Aspects under the framework of SBOT Guide. Previously, we saw the key principles of Scrum in detail. This module will introduce you to the various aspects of Scrum, which must all be addressed and managed through a Scrum project. The five Scrum aspects that we will discuss in this module are organization, business justification, quality, change, and risk. In the SBOT guide, all five Scrum aspects are presented in chapters 3-7. We will be discussing all of them one by one, but let's first start with the very first aspect, organization. For now, let's keep the key concepts under the organization aside and try to understand the defined roles and responsibilities in a Scrum project. Why? Because defined roles and responsibilities ensures the successful implementation of Scrum. Evidently, Scrum roles fall into two broad categories, core roles and non-core roles. Core roles are those that are involved in producing the project's product or service. Individuals who are assigned core roles are fully committed to the project. They are ultimately responsible for the success of each project iteration and of the project as a whole. Core roles are assigned to the product owner, Scrum Master, and the Scrum team. Now that we have seen that there are a few inevitable names associated with the core roles, let's meet them one by one and see what they do in a Scrum-controlled project. First, we have the product owner, who is the person responsible for achieving maximum business value for the project. He or she is also responsible for articulating customer requirements and maintaining business justification for the project. The product owner represents the voice of the customer. Next is the Scrum Master. The Scrum Master is a facilitator who ensures that the Scrum team is provided with an environment conducive to completing the project successfully. The Scrum Master guides, facilitates, and teaches Scrum practices to everyone involved in the project. The Scrum Master clears impediments for the team and ensures that all the Scrum processes are being followed. To clarify, here's an example. This is ABC Corporation. The software development team at ABC is facing roadblocks lately. Why? Well, it seems that they are unable to live up to the set standards of a project in terms of quality. What is the stumbling block here? Lack of expertise required for the project. It, in turn, leads to delay. So this is where the Scrum Master is going to pitch in. How is he or she going to do that? First of all, the task of the Scrum Master will be to focus on finding ways to clear the impediment, which comes in the form of lack of expertise required for the project. How is this possible? Well, the Scrum Master at this juncture is either going to raise an immediate requirement for hiring software developers with required expertise, or he can make an arrangement for training the existing staff. The Scrum Master will now make a decision based on the cost effectiveness and time consumption of the action to be taken. Finally, it's now the turn of the Scrum team. They actually do the work. The Scrum team is the group or team of people who are responsible for understanding the requirements specified by the product owner and creating the deliverables of the project. So, considering the earlier example, the software development team, either with newly recruited experts or with newly acquired training, will proceed in accordance with the requirements set by the product owner. Now, let's take a closer look at the non-core roles. The non-core roles are optional and may include all team members who are interested in the project. They have no formal role in the project team, but they may interface with the team. However, they may not be responsible for the success of the project. The non-core roles should be taken into account in any Scrum project.
So, who is involved in non-core roles? Stakeholders, the Scrum Guidance Body, vendors, the Chief Product Owner, and the Chief Scrum Master. Let's meet these people one by one. The first role is the stakeholder or stakeholders. This is a collective term that includes customers, users, and sponsors. They frequently communicate with the Scrum core team and influence the project throughout the project's development. Most importantly, it is for the stakeholders that the project produces the collaborative benefits. Second is the Scrum Guidance Body, which is also referred to as the SGB. It is an optional role consisting of a set of documents or a group of experts, typically involved in defining objectives related to quality, government regulations, security, and other key organizational parameters. This Scrum Guidance Body guides the work carried out by Product Owner, Scrum Master, and Scrum Team. The next non-core role is played by the vendors. They include external individuals or internal organizations that provide products or services that are not within the core competencies of the project organization. The Chief Product Owner is another non-core role. This role is relevant for large projects that have multiple Scrum teams. The Chief Product Owner is responsible for coordinating the work of multiple product owners. The last non-core role is the Chief Scrum Master, who is responsible for coordinating Scrum-related activities in large projects that may require multiple Scrum teams to work in parallel. Now, to help you understand how the Scrum organizational structure works, we have a diagram here. The roles played by the Scrum Master, Product Owner, Scrum Team, and the interrelation of these roles, and the way in which each one of them contributes to fulfilling customer requirements, are summarized here. The organization aspect of Scrum also addresses the team structure requirements to implement Scrum in programs and portfolios. So now that we have seen the core and non-core roles played in a Scrum-controlled project, let's now discuss another key Scrum aspect, business justification. It's important for an organization to perform a proper business assessment prior to starting any project. This helps the key decision makers understand the business need for change or for a new product or service, the justification for moving forward with a project, and its viability. Business justification in Scrum is based on the concept of value-driven delivery. One of the key characteristics of any project is the uncertainty of results or outcomes. It is impossible to guarantee project success at completion, regardless of the size or complexity of a project. Considering this uncertainty of achieving success, Scrum attempts to start delivering results as early in the project as possible. This early delivery of results, and thereby value, provides an opportunity for reinvestment and proves the worth of the project to interested stakeholders. Furthermore, Scrum's adaptability allows the project's objectives and processes to change if its business justification changes. It is important to note that although the product owner is primarily responsible for business justification, other team members also contribute significantly. So far, we have seen two important Scrum aspects. Quality is the third aspect we are going to discuss now. In Scrum, quality is defined as the ability of the completed product or deliverables to meet the acceptance criteria and achieve the business value expected by the customer. To ensure that a project meets its quality requirements, Scrum adopts an approach of continuous improvement, whereby the team learns from experience and stakeholder engagement to constantly keep the prioritized product backlog updated with any changes in requirements. The prioritized product backlog is simply never complete until the closure or termination of the project. Moreover, any changes to the requirements reflect changes in the internal and external business environment and allow the team to continually work and adapt to achieve those requirements. Through repetitive testing, Scrum requires work to be completed incrementally through sprints, rather than waiting until the end to produce deliverables. This means that errors get fixed right away, instead of being postponed until the end of the project. Moreover, important quality-related tasks, for example, development, testing, and documentation,
are completed as part of the same sprint by the same team. This ensures that quality is inherent in any deliverable created as part of a sprint. Such deliverables from Scrum projects, which are potentially shippable, are also referred to as done. For example, if internal customers are not happy with a product delivered in terms of quality, the issues can be listed in the prioritized product backlog. These kinds of issues will be addressed during the sprints, and the team will try to fix them so that quality is not compromised. Thus, continuous improvement with repetitive testing optimizes the probability of achieving the expected quality levels in a Scrum project. Constant discussions between the Scrum core team and stakeholders, including customers and users, with actual increments of the product being delivered at the end of every sprint, ensures that the gap between customer expectations from the project and actual deliverables produced is constantly reduced. The Scrum guidance body may also provide guidelines about quality, which may be relevant to all Scrum projects in the organization. The next aspect that we're going to discuss here is change, a very important aspect of Scrum. Every project, regardless of its method or framework, राइट जी मेरा ख्याल है इसको हम यही ब्रेक करते हैं, टाइम हो गया हुआ है। दो क्वेश्चन हैं जी, काशिफ सदीक साहब और अमीन कुरैशी साहब। काशिफ साहब आप बोलिएगा जरा। अच्छा सुहेल साहब, इसमें जो ट्रेडिशनल हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं उसमें हम कहते हैं कि जो स्कोप है इट शुड बी लाइक नेल इन द कॉफिन, जबकि एजाइल जो है वो हमें किसी और डायरेक्शन में जो है ना वो गाइड कर रहा है। तो काइंडली इस पे थोड़ा सा हमें आपकी गाइडेंस चाहिए। सर देखें, बात यह है कि हम बदलते हुए वक्त के साथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो पत्थर के जमाने की अप्रोच है, और ऑल्दो हम उसमें अपनी प्रोटेक्शन रखते हैं कि जी बस एक दफा बता दो फिर हमें तंग नहीं करना, फिर हम सही डिलीवर करेंगे। लेकिन ये बात तो हकीकत है ना कि कस्टमर को पता ही नहीं होता शुरू में कि वो क्या चाहता है। जैसे जैसे उसको चीज बनती हुई नजर आती है, जैसे जैसे काम होता है, तो उसको ब्लास्ट होते हैं दिमाग में, ओह हो ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। पहली बात तो ये कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो प्रोसेस है वो ही बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। ना सिर्फ ये कि हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं बल्कि हम रिक्वायरमेंट एलिसिट करें। एलिसिट करने का मतलब है कि हम उसका दिमाग भी पढ़ने की कोशिश करें और ज्यादा दूर तक जो वो सोच सकता है, जो कल भी सोच सकता है, वो भी किसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लें। उसको हम बहुत से मेथड से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो मर्जी कर लें, जो अनसर्टेनिटी है कि कल वो क्या सोचेगा, मुकम्मल तौर पे कवर नहीं हो सकती। खास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर चेंज बहुत ज्यादा आने का इम्कान है, कस्टमर के अपने स्पेक्स को चेंज करने का बहुत इम्कान है, उनमें हम वो वाला तरीका जो आप कह रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखना पड़ता है कि जनाब फिर इसके अलावा भी कस्टमर कोई चेंज कहेगा तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही प्रिडिक्टिव काम कर रहे हैं और आपको 100% यकीन है कि इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं आएगी, फिर आप भले वो पुराने वाला तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन आगे आगे आप ये देखेंगे कि ये मुमकिन नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज है, जब हम प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं तो स्कोप स्टेटमेंट हम पहले लिख देते हैं जी। तो इसमें भी क्या एजाइल में हम स्कोप के साथ स्टिक करेंगे या स्कोप से डिविएट भी कर सकते हैं? तो चेंज इन स्कोप जो है ना, फिर वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को जो है ना इम्पेक्ट करता है। सर मैंने कहा कि माइंडसेट ही चेंज करने की बात है। आप जिस माइंडसेट से बात कर रहे हैं वो रिजिड माइंडसेट है कि नहीं, कि ये तब्दील हो ही नहीं सकता। अब आपका हमने माइंडसेट ही चेंज कर दिया, हमने कहा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा दें कि हो सकता है। आप कस्टमर को कह दें कि सर किसी भी वक्त चेंज एक्सेप्टेबल है, यू आर वेलकम टू ब्रिंग चेंज। मेरा मतलब है कि इस तरीके के साथ हम पूरी फिलॉसफी ही चेंज कर रहे हैं। और अच्छा, इसमें सुहेल साहब फिर इसमें सॉरी माजरत, इसमें जो फिर क्राइटेरिया जो सक्सेस का प्रोजेक्ट का होगा वो फिर वो ट्रेडिशनल वाला नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट जो है ना उसके जो सक्सेस जो होती थी ना
कि इन टाइम विद इन बजट और एज पर क्वालिटी स्पेक्स वो होना चाहिए। जब हम वेरिंग हम अपनी बाउंड्रीज को फ्लूइड कर रहे हैं तो फिर सक्सेस क्राइटेरिया जो है वो चेंज होगा जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के हवाले से होता है। हमारा सक्सेस का क्राइटेरिया अब पूरे प्रोजेक्ट पे बेस नहीं है, अब आइट्रेशन बाय आइट्रेशन है। हर आइट्रेशन शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि मेरा बजट स्कोप टाइम इस आइट्रेशन का क्या है और उसको मैं फिर अचीव करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आइट्रेशन बाय आइट्रेशन काम वही कर रहा हूं लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो फ्लेक्सिबल है। अगर आप कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ये काम इतने पैसों में होना था, तो भाई पैसों में अगर वो नहीं हो रहा और ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो कस्टमर से ले लेना पैसे, कस्टमर ने चेंज किया ना, तो कस्टमर रीनिगोशिएट करेगा कॉन्ट्रैक्ट, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो कस्टमर इजाजत दे रहे हैं ना, हमें क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। सही, ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू जी। अमीन साहब, अमीन कुरैशी। बस वैसे तो जिस मैंने वे हैंड किया था, हैंड रेस किया था, वो टाइम काफी पहले किया था, लेकिन बस मैं यही कहना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था कि जैसे कि एजाइल जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और निगोशिएबल है, जी बिल्कुल, तो इसी तरह इसका प्रिंसिपल जो है वो नॉन निगोशिएबल है, लेकिन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, देखे ना वो जो हमने एजाइल मैनिफेस्टो दिया था वो बुनियादी हमारे स्टैंड पॉइंट है, कोई चीज तो आपको स्टेबल रखनी पड़ेगी ना, वो हमारे बुनियादी स्टैंड पॉइंट्स हैं और उसी पे इसके छह प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं, तो उनके ऊपर हम स्टैटिक हैं और बाकी हम कह रहे हैं कि कंप्लीटली फ्लेक्सिबल सिस्टम है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर चीज ही फ्लूइड हो जाए, कोई तो कहीं तो फाउंडेशन रखनी है ना आपने, तो ये इसके इस एजाइल थिंकिंग जो है इसकी बुनियादी फाउंडेशन मैनिफेस्टो है। राइट, ठीक है सर। अच्छा जी, लास्ट में एक बात करता चलूं, अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा 10th मॉड्यूल को, फिर हम 11th और 12th मॉड्यूल। मैं आप सबका टेस्ट बुक कर दूंगा फंडामेंटल का, आप थोड़ा पढ़ के आइएगा और बहुत मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। और जब हम ये 12 मॉड्यूल पूरे कर लेंगे अगली ही क्लास के दौरान हम आपका टेस्ट भी करवा लेंगे और उसमें आपको अभी से ईमेल आ जाएगी जब मैं भेज दूंगा आपको कि आप जनाब बुक हो गया है आपका एग्जाम और अब आप इस तारीख को एग्जाम दे सकते हैं, तो उस मतलब शायद आपको डेट भी खुद लेनी पड़े लेकिन डेट आप सबने एक ही लेनी है, एक ही वक्त में एक ही डेट पे सब एग्जाम होगा और इधर इस टाइम के दौरान होगा। तो मैं बाकी व्हाट्सएप के ऊपर आपसे कम्युनिकेट कर लूंगा अगर कोई मसला हुआ तो। कल अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि आपका एग्जाम होना है फंडामेंटल्स का। जी काशिफ साहब, इसमें हमारी जो ट्रेनिंग है इसमें ईद हॉलीडेज के दौरान चलती रहेगी अगर आ जाते हैं तो? नहीं नहीं सर, ईद हॉलीडेज पे काम नहीं होंगी क्लासेस। तो सर उसमें फिर आप उसका कोई अल्टरनेट शेड्यूल तो शेयर करें हमारे साथ। सर शेड्यूल पूरा बना हुआ है ना, आप अपने इस पे जाएं, ये जहां पे आप लॉगिन हुए हुए हैं, जहां आप लॉगिन हुए हैं यहां पे पूरा शेड्यूल दिया हुआ है डेट्स के वाइज। अच्छा, मैं जी जी बिल्कुल, पूरा शेड्यूल है, उसमें ईद नहीं है। चलिए सर, लेट्स कॉल इट अ डे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, आप लोग बहुत अटेंशन से आपने सुना भी और एक वेरिंग किस्म की बातें हमने की हैं और आपने एक्सेप्ट भी की हैं, तो इंशाल्लाह इससे आपको भी कोई फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा इंशाल्लाह, और अगली क्लास में हम इसका टेस्ट भी करते हैं और देखते हैं वेयर वी स्टैंड। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।